नमस्कार दोस्तों मैं हूं रोसान और आप देख रहे हैं जीके अफेयर्स एफेयर्स यूट्यूब चैनल दोस्तों इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन और साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस की तैयारी करवाई जाती है तो आप लोग ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए दोस्तों आज हम जो पेपर डिस्कस कर रहे हैं वो है डी एफ सी सैल में जो प्रश्न पूछे गए थे दो हज़ार तेईस के सी वी टी वन में जनरल साइंस की कुल मिलाकर एक सौ पैंतीस प्लस क्वेश्चन जो है हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में क्योंकि नौ शिफ्ट में पेपर पूछे गए थे और एक शिफ्ट में पंद्रह प्रश्न पूछे गए थे तो पूरी निचोड़ एक ही वीडियो मिलेगा तो इसको ध्यान से देखिएगा और अपना नोट्स भी साथ में बनाते चलिएगा पी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और आपके पास किसी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर होता है तो जी के भेज सकते हैं ताकि उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और देखिए ये वीडियो आपके लिए रामबंद साबित हो सकता है इसमें भी एक सौ साठ प्लस प्रश्न जो है डिस्कस किए गए हैं जो कि जनरल साइंस के ही डी एफ सी में 2016 से 21 तक का पेपर में पूछा गया था तो इसको भी जरूर देखिएगा तो देखिए नौ पेपर हम एक एक करके डिस्कस करेंगे तो ये रहा अब पेपर जो कि इस क्रम में जो है डिस्कशन किया जाएगा तो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों के साथ तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं हम पेपर जो डिस्कस करेंगे वो है डी एफ सी का एक्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बी का पेपर हुआ था पच्चीस अगस्त दो को इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि इफ़ द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ बॉडी इज जीरो देन इट्स एक्सेलरेशन यानी यदि किसी पिंड पर शुद्ध वाह्य बल जो है क्या है शून्य है यानी कि जो यहाँ पर नेट एक्सटर्नल फोर्स है वो जीरो है तो उसका एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण क्या होगा तो एफ इज कल टू क्या होता है दोस्तों एम ए होता है यानी कि मास इंटू एक्सेलरेशन होता है तो देखिए नेट एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर जीरो कर दिया जाए तो मास इंटू एक्सेलरेशन यानी कि एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पर शून्य हो जाएगी तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर जीरो इसका सही उत्तर हो जाएगा इसको जरूर ध्यान रखिएगा उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अट्रैक्टिव इंटरमोलिकुलर फोर्स को और किस नाम से जानते हैं यानी कि आकर्षक जो है अंतराणविक वल जो होते हैं उसको और किस नाम से जानते हैं तो उसको वंडर वाल फोर्स बोलते हैं तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा कि वंडर वाल फोर्स इसको बोलते हैं तो करेक्ट उत्तर इसका डी सही होगा उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द टेक्निक ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स इन अ न्यूट्रिय सोल्यूशन इज कॉल्ड देखिए पोषक तत्वों के घोल में पौधे उगाने की जो तकनीक होती है उसको हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं तो देखिए ऑप्शन में हाइड्रोफोनिक्स भी दिया हुआ था ए नहीं होता है पोनिक्स होता है तो ध्यान रखिएगा पोनिक्स होता है हाइड्रो यानी कि हाइड्रो मतलब पानी और पोनिक्स तो इस तरह से यानी कि अगर न्यूट्रेंट जो है यानी कि पोषक तत्वों से जो घोल बने होते हैं उसमें अगर पौधे उगाते हैं तो उसको हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा करेक्ट उत्तर इसका ए होगा अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूगर विच इज़ यूज इन आवर होम इज़ जो है नेम्ड एज यानी कि जो चीनी अपने घरों में यूज़ किए जाते हैं जिसको हम टेबल सुगर के नाम से जानते हैं तो वो सुक्रोज होता है तो करेक्ट उत्तर इसका ये होगा सुक्रोज इसका सही उत्तर हो जाएगा इसको जरूर ध्यान रखिएगा अब देखिए जो मिल्क में पाया जाता है वो उसको लैक्टोज बोलते हैं तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा मिल्क में लैक्टोज होता है और देखिए ग्लूकोज जो होता है वो ग्रीक बर्ड स्वीट्स से लिया गया है इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा इट्स अ टाइप ऑफ शुगर दैट यू गेट फ्रॉम फूड्स ऑन यू यानी कि जो हम लोग खाना खाते हैं तो उसमें जो चीनी पाया जाता है वो ग्लूके ग्लूकोज के रूप में होता है तो जो कि हमारे शरीर को एनर्जी देता है तो ग्लूकोज शरीर में पाए जाने वाला जो यहाँ पर शुगर होता है सुक्रोज जो टेबल साल्ट जो हम लोग घरों में यूज करते हैं लैक्टोज जो हम लोग मिल्क यूज़ करते हैं उसमें जो शुगर पाया जाता है उसको जो है लैक्टोज बोलते हैं और एक होता है फ्रक्टोज यानी कि जो फलों में जो चीनी पाया जाता है उसको फ्रक्टोज बोलते हैं तो इसका तो सही उत्तर है ए सुक्रोज इसका सही उत्तर होगा अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस जो होती है उसकी एस SI आई जो यूनिट है क्या होती है यानी कि एस आई यूनिट ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस तो इसका ओम होता है तो करेक्ट उत्तर इसका बी होगा ओम होगा देखिए इंडक्टिव रिएक्टेंस पूछा जाए या फिर आपको कैपेसिटिव रिएक्टेंस पूछा जाए दोनों की यूनिट होती है ओम तो ध्यान रखिएगा इंडक्टिव का पूछा जाए या फिर कैपेसिटिव रिएक्टेंस का पूछा जाए ओम उसका यूनिट होता है तो करेक्ट उत्तर इसका बी सही होगा अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कीटोन्स का कार्यात्मक समूह क्या है तो देखिए फंक्शनल ग्रुप पूछा गया है कीटोन का तो ध्यान रखिएगा कीटोन का जो कार्यात्मक समूह यानी कि फंक्शनल ग्रुप है तो सी देखिए ओ आर होती है तो इस तरह से आपको ध्यान रखिएगा तो इस तरह से जो होती है उसको जो है फंक्शनल ग्रुप वो की होती है तो करेक्ट उत्तर इसका बी होगा तो इस तरह से इसको जरूर ध्यान रखिएगा अब देखिए अगर हम फंक्शनल ग्रुप की भी यहाँ पर बात कर लेते हैं तो देखिए एल डी में देखिए जो कीटोन में क्या होता है दोनों में जो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप को हम जोड़ते हैं तो यहाँ पर लेकिन एक हाइड्रोजन बॉन्ड होता है तो इस तरह से आपको एल्डिहाइड का हो गया कीटोन का देखिए यहाँ पर आपको इस तरह से देखने को मिलता है ओ एच OH जहाँ लगा रहे तो ए है यानी कि सी डबल ओ एच देखिए सी डबल ओ एच अगर मिल जाए तो यहाँ पर देखिए आपको क्या है तो कार्बोजेलिक एसिड का है ईस्टर का ओ आर होता है लास्ट में जो है यहाँ पर बाद देखिए एनहाइड्राइड का होता है इस तरह से अमाइड का होता है आर एच और ओ OH एच सिर्फ फंक्शनल ग्रुप में लगा है तो यहाँ पर अल्कोहल का होता है तो इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा फंक्शनल ग्रुप को अब देखिए यहाँ अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू एच ओ यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एस्पेक्ट ऑफ द रिप्रोडक्शन फॉर द टोटल वेल विंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार निम्नलिखित तो में से कौन सा प्रजनन स्वास्थ्य की संपूर्ण भलाई के लिए प्रजनन का एक पहलू नहीं है तो नहीं पूछा जा रहा है तो देखिए इसमें जो मेन एस्पेक्ट होते हैं वो होते हैं फिजिकल इमोशनल बिहेवियरियल एंड सोशल तो चार एस्पेक्ट यहाँ पर होते हैं तो देखिए फिजिकल होते हैं फिजिकल यानी कि भौतिक होते हैं सोशल भी होते हैं उसके यानी कि सामाजिक होते हैं और इमोशनल यानी कि भावनात्मक होते हैं और एक होते हैं बिहेवियरियल तो लेकिन यहाँ पर प्रैक्टिकल नहीं होते हैं तो करेक्ट उत्तर इसका यहाँ पर बी होगा यानी कि व्यवहारिक नहीं होगा इसके स्थान पर बिहेवियरियल होगा तो इस तरह से तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन अ सिस्टम देर इज नो एक्सचेंज ऑफ मैटर बट एक्सचेंज ऑफ एनर्जी इज़ पॉसिबल बिटवीन सिस्टम एंड द सराउंडिंग जैसे एक सिस्टम है और एक सराउंडिंग है तो इसमें अगर जो है मास का ट्रांसफ़र नहीं होता है सिर्फ और सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है तो ही बोला गया है तो क्या होता है क्लोज सिस्टम होता है तो करेक्ट उत्तर इसका ये होगा क्लोज्ड सिस्टम इसका सही उत्तर होगा यानी कि बंद किया हुआ है ओपन सिस्टम में क्या होता है मास बॉथ मासर्जी ट्रांसफ़र होता है तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा कि मास और एनर्जी दोनों का यहाँ पर अगर हम जो है यहाँ पर ट्रांसफर होता है तो वहाँ पर खुला ओपन सिस्टम होता है सिर्फ जो है एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है तो क्लोज्ड होता है तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा तो यहाँ पर आपको क्लोज्ड सिस्टम होगा अब देखिए वर्क डन कैन बी द तो देखिए वर्क डन यानी कि डब्ल्यू इजकल टू होता है एफ यानी कि फोर्स इन टू डिस्प्लेसमेंट यानी कि कार्य बराबर तो देखिए क्या यहाँ पर आपको वर्क डन जो है यानी कि किया गया कार्य शून्य भी हो सकता है सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है तो करेक्ट उत्तर तो इसका सी होगा एक दो और तीन तीनों हो सकता है यानी कि वन टू एंड थर्ड जो है यहाँ पर सही होगा तो इस तरह से थोड़ा सा इसको जो वर्क का यूनिट होता है जूल तो इस तरह से थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा जूल इसका एसआई SI मात्रक होता है अब देखिए आर एच वीटेकर ने जो यहाँ पर वर्गीकरण किया है यहाँ किंगडम का उसको कितने जो, जो है क्लासिफिकेशंस किया है तो पांच क्लासिफिकेशंस किया है यानी कि आर एच विटेकर प्रपोज्ड ए फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन तो पांच यहाँ पर सही उत्तर होगा यानी कि डी इसका सही उत्तर होगा अब देखिए रॉबर्ट विटेकर प्रपोज द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशंस जिसका नाम कौन कौन सा है तो देखिए मोनेरा प्रोटिस्टा फंजी प्लटई एंड एनिमेरिया तो ये पाँचों का नाम आपको जरूर याद रखना है कि मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई प्लंटई एंड एनमेलिया तो इस तरह से पांच जो है यहाँ पर क्लासिफिकेशन आर एच वेटिकर ने किए थी अब देखिए यहाँ पर इंफ्रा तरंगों की तरंग धैर्य सीमा क्या होती है यानी कि वेव रेंज ऑफ द इंफ्रा वेव्स तो इसकी जो है तरंग धैर्य सीमा जो है पूछी गई है तो इसका होता है वन मिलीमीटर से सात मिलीमीटर के बीच होती है अब देखिए जो हम पढ़ते हैं तो उसमें जो है नैनोमीटर में पढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको जो है मिलीमीटर में आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर इंफ्रा रेड तरंग की जो तरंग धैर्य सीमा होती है एक मिलीमीटर से 700 मिलीमीटर के बीच होती है तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा अब देखिए कुछ यहाँ पर और आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको जो बेवलेंथ यानी कि रेडियो बेव देखिए नीचे फ्रीक्वेंसी यहाँ पर है लो फ्रीक्वेंसी यानी कि फ्रीक्वेंसी अगर लो होगी तो बेवलेंथ उसका ज़्यादा होगा तो इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा तो देखिए रेडियो वेव उसके बाद माइक्रोवेव इन्फ्रारेड तो देखिए इन्फ्रा ही यहाँ पर आपको पूछा गया था तो दस पर पावर बारह हर्ट्स की फ्रिक्वेंसी होती है और यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि 10 पर पावर 6 नैनोमीटर से लेकर 10 पर पावर 3 मीटर थो मीटर तक होती है जो कि एक जो है मिलीमीटर से लेकर सात मिलीमीटर के बीच में होती है इन्फ्रा उसके उसका देखिए अल्ट्रा वायलेट रे एक्स रे और गामा रे यानी कि गामा रे की फ्रीक्वेंसी जो है सबसे ज़्यादा होती है लेकिन उसका वेवलेंथ जो है कम होता है तो इस तरह से इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा जबकि रेडियो वेव की जो है फ्रीक्वेंसी जो है लो होती है और इसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है तो इसको और यहाँ पर जो है इन्फ्रा और अल्ट्रावाइलेट के बीच में यहाँ पर विजिबल लाइट होती है तो इस तरह से इसको जरूर ध्यान रखिएगा जिसकी फ्रिक्वेंसी दस पर पावर चौदह हर्ड्स से लेके सात गुने दस पर पावर चौदह हर्ड्स के बीच में होती है तो इस तरह से ध्यान रखिएगा अब देखिए इजे स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है कंसिस्टिंग ऑफ द फ्लूड, फ्लूड मैट्रिक्स है प्लाज्मा है एंड फॉर्म एलिमेंट है यानी कि वो कौन सा कनेक्टिव टिश्यू की बात की कर रहा है तो ब्लड की यानी कि अगर ब्लड भी पूछा जाए कि क्या होता है तो ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू जो होती है वो खून होती है यानी कि ब्लड होती है तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ब्लड कैसा है तो लिक्विड कनेक्टिव टिशू है और इसमें क्या होती है तो फ्लूड मैट्रिक्स जिसमें प्लाज्मा और एलिमेंट होते हैं तो खून की यहाँ पर बात की जा रही है अब देखिए जो यहाँ पर आपको ब्लड है तो उसमें क्या क्या कम्पोजिशंस है तो देखिए यहाँ पर 55 परसेंट जो है प्लाज्मा होती है प्लाज्मा प्लाज्मा में वाटर होते हैं प्रोटीन होता है और इलेक्ट्रोलाइट्स होता है और एक परसेंट के आसपास जो है प्लेटलेट्स होते हैं जिसको ध्यान रखिएगा और 45 परसेंट के आसपास जो है यहाँ पर रेड ब्लड सेल और पॉलीमोरफो सेल्स होते हैं तो ध्यान रखिएगा मोटा मोटी कि प्लाज्मा फिफ्टी होता है और एक प्लेटलेट्स और पैंतालीस जो है आर और पॉलीमो मोरफ फोर न्यूक्लियर सेल्स होते हैं तो इस तरह से जरूर ध्यान रखिएगा अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू नील्स वोर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ओनली इन दो ऑर्बिट फॉर विच द यहाँ पर क्या पूछा गया है तो जिसका जो है सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच वाई टू पी एच डिवाइडेड बाई टू पी होता है वेर एच इज द प्लैंक्स कॉन्सटेंट तो प्लैंक्स कॉन्स्टेंट एच होता है यानी कि नील्स वोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के जो इलेक्ट्रॉन होती है नाभिक में क्या होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं ध्यान रखिएगा यानी कि अब ध्यान रखिएगा कि अगर नाभिक है तो उसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होती है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो नील्स वोर ने बताया है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर तो लगाते हैं लेकिन केवल उन कक्षाओं में घूमता है जिनके लिए उनका जो है कोणीय संवेग यानी कि एंगुलर मोमेंटम ध्यान रखिएगा एंगुलर मेमोन्टम मेमुन्ट, जो होता है एच वाई टू पी का कुछ अभिन जो है गुणक है जहाँ एच जो है प्लैंक स्थिरांक, यानी कि कोणीय संवेग जो है इसको जरूर ध्यान रखिएगा तो एच वाई टू पी के जो है सम इंटिग जो है सम इंटीग्रल मल्टीपल के रूप में होता है अब देखिए अगर हम इसको तो ध्यान रखिएगा अब देखिए यहाँ पर आपको प्लैंक्स कॉन्स्टेंट का यहाँ पर अगर वैल्यू पूछा जाए तो छः दशमलव छः गुना दस पर पावर माइनस चौतीस जूल सेकेंड होता है इसको जरूर ध्यान रखिएगा एच इजकल टू ई इजकल टू एच न्यू से इसको निकलता है इसको ध्यान रखिएगा एच जो है वैल्यू होता है सिक्स पॉइंट सिक्स टू इंटू दस पावर माइनस चौंतीस जूल सेकेंड होता है इसको जरूर ध्यान रखिएगा अब देखिए क्वेश्चन है कि वट इज द सिंबल ऑफ़ द एरीलॉक्सी ग्रुप तो देखिए एरीलॉक्सी ग्रुप का जो सिंबल होता है तो ए आर ओ होता है ध्यान रखिएगा ए आर ओ होता है एरिलॉक्सी ग्रुप का सिंबल इसको जरूर ध्यान रखिएगा तो करेक्ट उत्तर इसका सी होगा अब देखिए क्वेश्चन है कि अमीवा कैन चेंज इट्स शेप विद द हेल्प ऑफ तो देखिए अमीवा है एक कोशिकीय ये एक कोशिकीय जीव है तो यानी कि यूनिसेलुलर जो है यहाँ पर जीव है तो अपनी किसकी सहायता से अपना आकार जो है बदल सकता है तो देखिए सीडोपोडिया की सहायता से जो है अपना आकार जो है अमीबा बदलते रहता है तो यहाँ पर सिडोपोडिया इसका सही उत्तर होगा यानी कि अमीबा कैन चेंज इट्स शेप विद द हेल्प ऑफ सिडोपोडिया तो करेक्ट उत्तर इसका ये होगा इसको जरूर ध्यान रखिएगा जो पेपर डिस्कस करेंगे वो है डीएफसी सेल का एग्जाम हुआ था जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल का 23 अगस्त 2023 के सेकंड शिफ्ट में तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक एकलिंगी का उदाहरण है यानी कि मोनोगेमस का एक एग्जाम्पल है वही पूछा जा रहा है तो देखिए इसका करेक्ट उत्तर जो होगा वो यानी कि पपीता इसका सही उत्तर होगा यानी कि पपीता जो होता है मोनोगेमस होता है यानी कि एक लिंगी होता है इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा तो उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु संख्या उनतीस किस ब्लॉक से संबंधित है तो परमाणु संख्या जो उनतीस है वो आपको किस ब्लॉक से संबंधित मिलेगा तो डी ब्लॉक से मिलेगा अब देखिए चलिए देख लेते हैं कि परमाणु संख्या उनतीस कहाँ पर है और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा तो देखिए परमाणु संख्या यहाँ पर आपको जो उनतीस है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जो कि कॉपर का परमाणु संख्या है यानी कि कॉपर का अगर परमाणु संख्या पूछा जाए तो उनतीस है जो कि यहाँ पर डी ब्लॉक में देखने को मिलेगा यानी कि देखिए एस ब्लॉक उसके बाद देखिए बीच वाला ए e डी ब्लॉक पी ब्लॉक ए होता है और नीचे जो होता है ए एफ ब्लॉक तो इस तरह से थोड़ा सा इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा टोटल जो है यहाँ पर आपको अट्ठारह जो है यहाँ पर ग्रुप यानी कि देखने को मिलेगा वर्ग और यहाँ पर पीरियड यानी कि आवर्त कुल मिलाकर साथ देखने को मिलेंगे तो इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और परमाणु संख्या के क्रम पे जो है मोसले का ए जो पीरियोडिक टेबल जो है रखी गई है तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि बॉक्साइट अयस्क के शुद्धिकरण के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है यानी कि विच मेथड इज़ यूज फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ द बॉक्साइट ओर यानी कि बॉक्साइट ओर के प्योरीफिकेशंस किस मेथड से किया जाता है तो दोस्तों बॉक्साइट ओर जो होती है उससे जो है हम एलमुनियम का निष्कर्षण करते हैं ध्यान रखिएगा कि एलमोनियम के निष्कर्षण के लिए हम बॉक्साइट एस्क का उपयोग करते हैं तो इसको लीचिंग विधि के द्वारा जो है इसका जो है शुद्धिकरण किया जाता है तो इसको लीचिंग इसका सही उत्तर होगा तो करेक्ट उत्तर इसका डी होगा उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि घेघा रोग के उपचार में किस आइसोटोप का उपयोग किया जाता है तो देखिए विभिन्न आइसोटोप्स का उपयोग विभिन्न रोगों के उपचार के लिए किया जाता है तो घेघा रोग देखिए आयोडीन की कमी से होता है तो इसके उपचार के लिए हम लोग आयोडीन एक सौ इकतीस जो है यहाँ पर आइसोटोप्स का उपयोग करते हैं ध्यान रखिएगा आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है ग्वेटर इसको इंग्लिश में बोलते हैं और देखिए गले में जो है थोड़ी सी बढ़ जाती है मांस तो इस तरह से उसका उपचार के लिए हम लोग आयोडीन एक सौ इकतीस का उपयोग करते हैं अब देखिए जो, जो विभिन्न यहाँ पर आइसोटोप्स हैं उसका उपयोग किस तरह से किया जाता है तो देखिए कोबाल्ट सिक्सटी का उपयोग कैंसर को यहाँ पर थेरेपी के लिए किया जाता है ध्यान रखिएगा कोवाल्ट सिक्सटी का कैंसर के लिए आइडीन एक सौ इकतीस के लिए घेघा रोग के लिए कार्बन चौदह का उपयोग स्टडी के लिए किया जाता है मेटाबॉलिज्म चेंजेस फॉर द पेशेंट विद द डायबिटीज़ गाउट एंड एन, एनीमिया के लिए कार्बन ग्यारह का प्रयोग किया जाता है टैग्ड ऑन टू ग्लूकोज टू मोनीटर ऑर्गन ड्यूरिंग ए पेट स्कैन उसका देखिए सोडियम ट्वेंटी फोर बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसको जरूर ध्यान रखिएगा तो ब्लड सर्कुलेशन को स्टडी करने के लिए हम लोग सोडियम ट्वेंटी फोर का उपयोग करते हैं उसका देखिए थैलीम 201 का है तो डिटरमिन डैमेज इन द हार्ट टिश्यू डिटेक्शन्स ऑफ द ट्यूमर्स अगर ट्यूमर्स का पता लगाने के है तो थैलीम 201 जो है यहाँ पर आइसोटोप्स का उपयोग किया जाता है उसके बाद देखिए टेक्नेटियम नाइन्टी एम तो इस तरह से थोड़ा सा इसको जरूर ध्यान रखिएगा तो ये स्लाइड आपके लिए इंपॉर्टेंट है ऊपर का जो कोवाल्ट 60 है आयोडीन 131 है सोडियम 24 है इसका तो ज़रूर आप लोगों को ध्यान रखना है अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए सतत विकास के उदाहरण नहीं है तो देखिए सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कुल मिलाकर सत्रह है जो कि 2015 से लेकर 2030 तक पूरा करना है तो देखिए इसमें से सतत विकास आपको यानी कि सस्टेनेबल यूज करना है तो इसमें से कौन नहीं है जो कि भविष्य की, भविष की पीढ़ियों के लिए तो देखिए यहाँ पर आपको जो देखने को मिलेगा जल संसाधनों की सफाई तो देखिए क्लीनिंग वाटर रिसोर्सेज ये तो जरूरी है उसके देखिए प्लान फॉर द सेफ डिस्पोजल ऑफ द बेस्ट वाटर आफ्टर माइनिंग यानी कि जो बेस्ट होती है उसको माइनिंग करने के बाद उसको जो है सुरक्षित निपटान करना ये भी जो है भविष्य के लिए उपयोगी है उसका देखिए नए उद्योगों की स्थापना के लिए बनों की सफाई ये कहाँ कहाँ है आपको सतत विकास तो एक आंसर यहाँ पर सी होगा यानी कि सी नहीं है तो करेक्ट उत्तर होगा सी वैकल्पिक ईंधन जो है जलाशय ढूंढना यानी कि फाइंडिंग अल्टरनेटिव फ्यूल रिजर्वियर तो ये तो बिल्कुल सतत विकास का ही यहाँ पर इसलिए जो है सोलर इनर्जी का जो है यूज़ किया जाता है यानी कि रिन्यूबल एनर्जी पे जोर दिया जा रहा है और भारत का टारगेट भी है कि 2070 तक जो है नेट कार्बन जो है यहाँ पर जीरो करना तो इस तरह से थोड़ा सा इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है तो किसकी बात कर रही है तो तीसरे और चौथे समूह की यानी कि कुल मिलाकर अट्ठारह जो है वर्ग होते हैं सात आवर्त होते हैं तो उसमें तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का जो सामान्य गुण है वो बेसिक और एसिडिक होता है तो ध्यान रखिएगा बेसिक और एसिडिक होता है इसको थोड़ा सा ज़रूर ध्यान रख लीजिएगा तो इस तरह से पीरियोडिक टेबल को देखते रहिए तो देखिए तीसरे और चौथे की बात की गई थी तीसरे और चौथे समूह के जो है ऑक्साइड की बात की गई थी तो बेसिक और एसिडिक इसका सही उत्तर होगा उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जो है कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है तो देखिए कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण एक्वेरियम होगा जबकि वन महासागर नदी ये सब आपको जो है प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का एग्जाम्पल देखने को मिलता है तो यहाँ पर सी इसका सही उत्तर होगा एक्वेरियम इसका सही उत्तर हो जाएगा इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत क्षरण के प्रभाव नहीं है अब देखिए आपको जो समताप मंडल होती है उसमें 32 से 50 किलोमीटर के बीच में जो है आपको देखने को मिलेगी ओजोन परत तो ओजोन परत क्या करती है प्रावेग्निक किरणों से पृथ्वी को बचाती है जी हाँ सूर्य से आने वाली प्रावैग्निक किरणों को जो है ओजोन परत रक्षा करती है इसका जो है सिंबल ओ थ्री होता है इसको जरूर ध्यान रखिएगा तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बढ़ते प्रभाव के कारण ओजोन परत जो है पतला होते जा रहा है और उसके कारण जो है पृथ्वी पर जो है गर्मी बढ़ती जा रही है तो इसके प्रभाव जो है कौन कौन से हैं तो देखिए परिवर्तन यानी कि म्यूटेशंस होता है उसका देखिए ग्लोबल वार्मिंग भी होगा और स्किन कैंसर भी होगा लेकिन मौसम के अनुसार वर्षा नहीं इसका इसके विपरीत होगा यानी कि बेमौसम वर्षा होगी इस तरह से करेक्ट उत्तर इसका होगा इसका प्रभाव नहीं है अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि वट इज होमनम यानी कि सम नाम क्या है तो देखिए दो अलग अलग टैक्सों का सामान्य नाम है तो देखिए तो सेम नेम फॉर द डिफरेंट टैक्स हम तो यानी कि जो टैक्सोनोमी का उपयोग किया जाता है नाम के उपयोग किया जाता है तो उसी को होमोनम बोलते हैं तो करेक्ट उत्तर इसका ये होगा इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीन आर एस जो हमें दीर्घकालिक उपयोग के लिए प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करने में मदद करेंगे अगर देखिए प्राकृतिक जो संसाधन है उसको संरक्षित करने के उद्देश्य से हम लोग देखते हैं तो तीन आर का प्रयोग किया जाता है वही है तो देखिए रिड्यूस रियूज और रिसाइकल यानी कि रिड्यूस करिए रीयूज करिए और रिसाइकल करिए तो करेक्ट उत्तर इसका यहाँ पर ये यह होगा रिड्यूस रीयूज और रिसाइकल तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा तीन आर का प्रयोग किया जाता है दीर्घकालिक उपयोग के लिए जो कि प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करेंगे यानी कि टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज फॉर द लॉन्ग टर्म यूज बी यूज थ्री आरस दैट इज ए रिड्यूस रीयूज एंड रिसाइकल अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन फूल का भाग नहीं है तो देखिए फूल का जो भाग नहीं है तो यानी कि तना इसका होगा देखिए वाहिदल यानी कि सेपल्स भी होगा अस्टेमेंस भी होगा यानी कि पुंकेसर भी होगा और कार्पेल भी होगा ये तीनों जो है फूल का भाग है जबकि अस्टेम जो है फूल का भाग नहीं माना जाता चलिए फूल को भी हम लोग दिखा देते हैं तो देखिए पार्ट्स ऑफ फ्लावर ये फ्लावर आपको देखने को मिलेगा तो देखिए ये पार्ट जो होते हैं वो पीटल्स बोलते हैं और उसके बाद देखिए ये अस्टिगमा है अस्टाइल है पोलन ट्यूब है ये आपको पोलन ट्यूब देखने को मिलेंगे और देखिए एंथर ये जो फूल जैसे आप दिख रहे हैं वो है एंथर तो और एंथर और ये आपको इसकी डंडी जो होती है फिलामेंट यानी कि एंथर और फिलामेंट को बोलते हैं क्या तो अस्टेमिन जो कि मेल रिप्रोडक्शन पार्ट होता है उसके बाद देखिए बीच में ओवरी होता है ओवेल होता है और सभी को मिला स्टिग्मा स्टाइल पोलन ट्यूब ओवरी और ओवेल को मिला के कारपेल बोलते हैं तो देखिए कार्पेल भी भाग है उसके बाद देखिए अस्टेमिन भी भाग है उसके देखिए सिपल ये जो पार्ट होता है सिप्पल जब उस ये भी भाग है और यहाँ पर देखिए रिसेप्टिकल भी यहाँ पर भाग है देखिए अस्टेम जो है फूल का भाग नहीं माना जाता है तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि वस्तु को किस स्थान पर रखा जाए तो अवतल दर्पण वास्तविक उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब देता है देखिए जैसे ही आप देखें कि सेम साइज़ का इमेज अगर देता है तो यहाँ पर सी पे होगा यानी कि सेंटर ऑफ कार्वेचर पे जो है वस्तु रखी होगी और अवतल दर्पण में वास्तविक और उल्टा जो है प्रतिबिंब बनता है तो इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा तो इसमें एक ही केस में सिर्फ जो है आपको जो है सीधा प्रतिबिंब यानी कि जो है सीधा प्रतिबिंब यहाँ पर बनता है तो इस तरह से आपको जरूर ध्यान रखना है तो लेकिन समान आकार का यहाँ पर पूछा गया है तो यहाँ पर सेंटर ऑफ कार्बेचर पे रखा होना चाहिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सही क्रम को यहाँ पर आपको चुनना है तो सही क्रम इसका क्या होगा यानी कि यहाँ इस तरह से आपको जरूर ध्यान रखना है तो सही क्रम होगा किंगडम संघ वर्ग और आदेश यानी कि किंगडम होगा फाइलम क्लास और ऑर्डर तो करेक्ट उत्तर इसका डी होगा तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा यानी कि किंगडम संघ वर्ग और आदेश उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा उपकरण विद्युत प्रवाह उत्पन्न करता है तो यानी कि इलेक्ट्रिक करंट जो है कौन प्रोड्यूस करता है क्या मोटर इलेक्ट्रिक करंट करता है नहीं तो मोटर क्या करता है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है जब हम इलेक्ट्रिक देते हैं इसमें तो इलेक्ट्रिकल करेंट तो ये मैकेनिकल एनर्जी करता है यानी कि इलेक्ट्रिक से मैकेनिकल में करता है जनरेटर क्या करता है मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है जी हाँ तो जनरेटर इसका सही उत्तर होगा यानी कि घरों में आपने देखा होगा शादी ब्याह में कि क्या करते हैं जनरेटर का उपयोग करते हैं किस लिए ताकि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो तो जनरेटर इसका सही उत्तर होगा या से हम लोग करेंट मेजर करते हैं और गलबेनो से भी करेंट करते हैं छोटे लेवल पर यानी कि छोटे छोटे अगर करेंट यानी कि स्मॉल करेंट को अगर मेजर करना हो तो गलवेनो का प्रयोग करते हैं तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेंस की शक्ति की इकाई क्या है यानी कि यूनिट ऑफ लेंस ऑफ द पावर यानी कि लेंस पावर की यूनिट क्या होती है तो डायोप्टर होती है तो करेक्ट उत्तर इसका ए होगा सॉरी डी होगा डायोप्टर इसका सही उत्तर होगा अब देखिए जो डायोप्टर होती है वो उस यानी कि लेंस की पावर का अगर हम बात करते हैं तो ये जो है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ होती है यानी कि वन वाई एफ है तो ये पावर ऑफ लेंस है तो इसको ध्यान रखिएगा इसको डायप्टर से मेजर करते हैं और जनरली मीटर में इसको यूज करते हैं अब देखिए उत्तर लेंस जो होती है यानी कि कॉन्वेक्स लेंस होती है उसकी क्षमता जो होती है लेंस की वो पॉजिटिव मानी जाती है और अवतल लेंस की यानी कि कौन लेंस की जो क्षमता मानी जाती है नेगेटिव इसको जी भी जरूर ध्यान रखिएगा कि उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है पॉजिटिव मानी जाती है और अवतल लेंस की क्षमता जो है नेगेटिव मानी जाती है इसको थोड़ा सा जरूर ध्यान रखिएगा पेपर डिस्कस करेंगे वह डी एफ सी सैल में जो जूनियर एक्जीक्यूटिव एस एन टी का जो पेपर हुआ था तेईस अगस्त दो हज़ार तेईस को पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं तो देखिए जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं दोस्तों वो जो हरवी वोरस होते हैं यानी कि जो शाकाहारी होते हैं उन्हीं को जाता था तो करेक्ट उत्तर इसका सी सही होगा अब देखिए चलिए फोटो से आप लोग को क्लियर होगा तो देखिए फूड चेन है जिसमें कि प्रोड्यूसर्स जो कि यहाँ पर जो प्लांट होते हैं वो यहाँ पर आपको प्रोड्यूसर्स होते हैं और देखिए प्लांट या फिर ग्रास को यहाँ पर खा रहा है कौन तो ग्रास हॉपर खा रहा है जो कि प्राइमरी कंज्यूमर्स है प्राइमरी कंज्यूमर्स है इसको जरूर ध्यान रखिएगा उसके देखिए सेकेंडरी कंज्यूमर्स कौन है तो यहाँ पर ब्लू बर्ड है जो कि इसको ग्रास हॉपर को खा रहा है तो प्राइमरी कंज्यूमर ही पूछा गया था तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि हरबी है जो कि इसको यानी कि प्रोड्यूसर को खा रहा है इस तरह से टर्सरी कंज्यूमर्स हो गया उसका देखिए एपेक्स प्रीडेटर हो गया और डीकम्पोजर हो गया इस तरह से थोड़ा सा इसको फूड चेन को भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें उष्मा ऊर्जा विकसित होगी तो क्या होगी तो उष्मा ऊर्जा यानी कि हीट इनर्जी जो है इवॉल्व होगी यानी कि विकसित होगी तो देखिए जब एल का जलता है तो यहाँ पर यानी कि एल यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जिसमें प्रोपेन और ब्यूटेन होता है ध्यान रखिएगा एल में प्रोपेन और ब्यूटेन होता है तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इसको बोलते हैं तो जब ये जलती है तो यहाँ पर उसमा ऊर्जा विकसित होती है तो करेक्ट उत्तर इसका डी सही होगा इसको जरूर ध्यान रखिएगा अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आम का वैज्ञानिक नाम क्या है तो देखिए जो साइंटिफिक नेम होते हैं वो पूछा जाता है तो आम का जो साइंटिफिक नेम है वह मंजीफेरा इंडिका तो करेक्ट उत्तर इसका सी सही होगा इसको जरूर ध्यान रखिएगा मंजीफेरा इंडिका जो है आम का वैज्ञानिक नाम है इसको ध्यान रख लीजिएगा अब देखिए आवर्त सारणी में किस धातु का सही स्थान नहीं है तो क्या है पीरियोडिक टेबल में कौन सी धातु यानी मेटल का सही स्थान नहीं है देखिए नहीं पूछा जा रहा है यानी कि विच मेटल डज नॉट हैव द करेक्ट प्लेस इन द पीरियोडिक टेबल तो यहाँ पर H2 इसका सही होगा तो यानी कि जो H2 है हाइड्रोजन इसका जो है सही स्थान जो है पीरियोडिक टेबल में नहीं है क्यों तो तो यहाँ पर देखिए बिकॉज हाइड्रोजन रिसेम्बल्स प्रॉपर्टीज ऑफ बहुत अल्कली मेटल्स यानी कि फर्स्ट ग्रुप का एंड हैलोजन फैमिली दैट इज अ सेवेंटीएथ ग्रुप का सो प्रॉपर पोजिशन इज नॉट असाइन टू इट इन द पीरियोडिक टेबल यानी कि आप समझ सकते हैं कि अलकली जो धातु है उसका भी यहाँ पर प्रॉपर्टी है इसके पास जो कि फर्स्ट ग्रुप में है और साथ ही साथ हाइलोजन फैमिली में है जो कि सत्रहवें ग्रुप में है तो इस तरह से प्रॉपर पोजिशन इसको असाइन नहीं किया गया है इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा तो एच टू इसका सही उत्तर होगा अब देखिए पीरियोडिक टेबल में अभी जो वर्तमान का पीरियोडिक टेबल है मोशले का पीरियोडिक टेबल है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इसमें अठारह आपको ग्रुप देखने को मिलेंगे और सात अवर्थ है तो यहाँ लेटी हुई जो है उसको जो है आवर्त बोलते हैं तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वंश की तुलना में लक्षणों में कौन सा कम जो है सामान्य है तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर जो दोस्तों जो सही उत्तर होगा वो होगा परिवार यानी कि फैमिली जो है यहाँ पर वंश की तुलना में तो यहाँ पर कम जो है यहाँ लक्षण वाला है तो परिवार इसका सही उत्तर होगा वैसे देखिए किंगडम किंगडम के बाद फाइलम फाइलम के बाद क्लास क्लास के बाद आता है ऑर्डर तो इस तरह से यानी कि सबसे बड़ा यहाँ पर हो गया किंगडम तो किंगडम सबसे बड़ा फिर उससे जो छोटा हो गया फाइलम फिर फाइलम से छोटा क्लास क्लास से छोटा जो ऑर्डर तो इस तरह से थोड़ा सा इसको जरूर ध्यान रख सकते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि एड्स एक घातक बीमारी है जो किसके कारण होती है तो देखिए एड्स जो क्या है ए आई डी एस तो एक डिफिशेंसी सिंड्रोम तो एच आई बी एच आई वी वायरस के कारण होता है तो ये आपको बीमारी का नाम है एड्स और इसके लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है ध्यान रखिएगा एलिसा टेस्ट जो है एड्स की बीमारी का पता लगाने के लिए ही किया जाता है ये भी क्वेश्चन आपको ध्यान से रखना है और देखिए एड्स बीमारी है तो जो कि एच आई बी यानी कि जो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशेंसी वायरस से होता है इसको ध्यान रखिएगा ह्यूमन इम्यूनो डिफिशेंसी वायरस से होता है यानी कि एक विषाणु से होता है तो जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि तो ये वायरस इसका सही उत्तर हो जाएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैंडलिफ ने आवर्त सारणी में कितने तत्व रखे हैं तो देखिए मैंडलिफ ने जो आवर्त सारणी को प्रपोज किया था अठारह में किया था यानी कि 1869 में किया था इसको ध्यान रखिएगा और ये कहाँ के थे तो रूस के थे तो रूस के थे मेंडलीव इन्होंने प्रपोज किया कि जो एलिमेंट है उस समय ज्ञात जो एलिमेंट थे 63 उसको जो है परमाणु द्रव्यमान यानी कि एटॉमिक मास के आधार पे रखा जाए फिर आए मोस्लिव जो कि एटॉमिक नंबर पे जो है यहाँ पर आपको जो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को रखे गए हैं तो ध्यान रखिएगा जो मैंडलिव के समय जो ज्ञात तत्व थे 63 थे और इन्होंने इसको ही रखे थे यानी कि मेडलिप ने अवर्थ सारणी में कितने तत्व को रखे थे तो 63 यानी कि तिरसठ तत्व को रखे थे इसको भी जरूर ध्यान रखिएगा अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओजोन परत के क्षरण के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है तो ओजोन परत जो है अस्टेटोस्फेयर दैट इज अ समताप मंडल में एक परत है जो कि ओ थ्री के रूप में होता है ध्यान रखिएगा ओ थ्री के रूप में एक जो है रहता है तो ध्यान रखिएगा तो इसके क्षरण के लिए कौन जिम्मेदार है तो क्योंकि देखिए ये पृथ्वी पे हम लोगों को रक्षा करती है प्रावैंगिक किरने से यानी कि सूर्य के से जो प्रावैंगिक किरणें आती है अल्ट्रावायलेट रे उससे हम लोगों की रक्षा करते हैं तो अगर रक्षा करते तो इसका भी हम लोगों को देखभाल करना है तो इसके लिए जो जरूरी है कि सी एफ सी दैट इज़ अ क्लोरो फ्लोरो कार्बन का उपयोग हम लोग कम करें यानी कि ये कहाँ से निकलती है तो इसे रेफ्रिजरेटर हो गया ए हो गया तो इस तरह से सी एफ सी इसका लिए जिम्मेदार है तो क्लोरो फ्लोरो कार्बन इसका सही उत्तर होगा तो सी एफ सी इसका सही उत्तर होगा तो ध्यान रखिएगा करेक्ट उत्तर इसका सी सही हो जाएगा उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि विश्व में सबसे तेज घटने वाला प्राकृतिक संसाधन कौन सा है यानी कि द मोस्ट रैपिडली ड्विंडलिंग नेचुरल रिसोर्स तो यहाँ पर जंगल इसका सही उत्तर हो जाएगा तो जंगल यहाँ पर सही उत्तर होगा जो कि सबसे तेजी से घटने वाला जो है एक प्राकृतिक संसाधन है तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा तो यहाँ पर करेक्ट उत्तर इसका सी होगा लेकिन देखिए यहाँ पर कभी कभी पानी भी ऑप्शन में दिया रहता है तो इसको देखिए जो यहाँ पर आयोग ने माना है सही उत्तर तो जंगल माना है तो पानी भी यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा तो आयोग के अनुसार जो है लेकिन मेरे अनुसार जो है यहाँ पर पानी होना चाहिए पानी होना चाहिए इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा लेकिन आयोग ने इसको जंगल माना है तो इस तरह से थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है इसको जरूर ध्यान रखिएगा अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समतल दर्पण से किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है तो समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर से किस प्रकार का प्रतिबिंब यानी कि आपको इमेज बनता है तो बनता है दोस्तों सबसे पहले आपको ध्यान रख लेना है कि बनता है आभासी आभासी और सीधा यानी कि आभासी और सीधा बनता है यानी कि वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है तो इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा तो प्लेन मिरर जो कि हम लोग जो एन देखते हैं तो प्लेन मिरर होता है तो उसमें क्या होता है आभासी तो बनता ही है लेकिन क्या होता है सीधा प्रतिबिंब बनता है तो करेक्ट उत्तर इसका बी होगा आभासी और सीधा इसका सही उत्तर होगा अब देखिए लेड सल्फ़ेट का रासायनिक सूत्र यानी कि केमिकल फॉर्मूला जो है लेड सल्फ़ेट का क्या होता है तो पी बी एस ओ फोर इसका सही उत्तर होगा तो पी बी एस ओ फोर इसका सही उत्तर होगा करेक्ट उत्तर इसका सी सही हो जाएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है तो देखिए समतल दर्पण दैट इज अ प्लेन मिरर प्लेन मिरर में जैसा कि मैंने बताया कि आपको ध्यान रख लेना है कि प्रतिबिंब जो है क्या बनती है तो आभासी और सीधा बनता है लेकिन उसकी फोकस दूरी जो है अनंत होती है यानी कि इनफाइनाइट होती है तो करेक्ट उत्तर इसका ए होगा इनफाइनाइट होती है अब क्यों होती है तो देखिए फोकल लेंथ ऑफ गया प्लेन मिरर इज इन्फिनिटी आइज द पैरल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू ए प्लेन मिरर मीट अगेन एट इन्फिनिटी यानी कि प्लेन मिरर इस तरह से है तो इस पर क्या होगा कि इस तरह से पास होते होते तो कहीं मिलेगा ही नहीं यानी कि इन्फिनिटी पे मिलेगा तो इसलिए इसकी फोकस दूरी क्या होगी तो इन्फिनिटी होगी तो इस तरह से ध्यान रखिएगा करेक्ट उत्तर ए होगा अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी प्रथा जंगल के संरक्षण में मदद करेगी यानी कि कौन सा प्रैक्टिस यहाँ पर किया जाए ताकि जो फॉरेस्ट को हम लोग कंजर्व कर सकें तो देखिए इसमें सबसे जरूरी है कि वनों की कटाई पर रोक लगाएं यानी कि पुटिंग अ बैन ऑन द डिफॉरेस्टेशन यानी कि करेक्ट उत्तर इसका सी होगा सबसे पहले तो वनों की कटाई पे ही रोक लगाने की जरूरत है तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा करेक्ट उत्तर इसका सी सही हो जाएगा न कि स्थानीय लोगों द्वारा जलाऊ लकड़ी के उपयोग में वृद्धि जब वृद्धि करेंगे तो फिर संरक्षण कैसे होगा उद्योगों द्वारा वन उत्पादों के उपयोग में वृद्धि ये भी गलत हो जाएगा वनों की कटाई का अभ्यास ये भी गलत हो जाएगा तो करेक्ट उत्तर इसका सी होगा वनों की कटाई पर रोक लगाएंगे तो हम जंगल के संरक्षण में हम लोग मदद करेंगे अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शॉर्ट सर्किट में करंट का क्या होता है तो आपने घरों में अक्सर देखा होगा या फिर कहीं पे कि जब शॉर्ट सर्किट होती है तो क्या होती है सभी लाइटें चली जाती है तो उसमें एक्चुअली होता ये है कि उसमें अधिक मात्रा में जो है करेंट जो है फ्लो होता है तो ध्यान रखिएगा कि वाट हैपन्स टू द करेंट इन अ शॉर्ट सर्किट तो शॉर्ट सर्किट जब लगती है तो उसके करंट में भारी वृद्धि आ जाती है तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा तो करेक्ट उत्तर इसका सी होगा तो देखिए वी इजकल टू आई आर होता है तो इसमें करंट जो है बढ़ जाती है क्योंकि वोल्टेज तो यहाँ पर सेम ही रहता है तो इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि भारी वृद्धि हो जाती है शॉर्ट सर्किट जब में करंट जो है रैपिडली इंक्रीज हो जाता है अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अस्थाई अंग है क्या है एक अस्थाई दैट इज़ अ टेम्परेरी ऑर्गन है जो कि एक स्तनधारी माँ को उसके भ्रूण से जोड़ता है तो आपको फोटो भी हम यहाँ पर दिखाएंगे कि क्या होता है कि अस्थाई यानी कि टेम्प्रेरी अंग है जो अस्तनधारी जो माँ होती है और भ्रूण यानी कि फीटस से जोड़ती है तो उसको क्या बोलते हैं तो दोस्तों वो नाल बोलते हैं दैट इज ए प्लेसेंटा तो प्लेसेंटा इसको बोलते हैं करेक्ट उत्तर इसका ए बी होगा यहाँ पर प्लेसेंटा इसका सही उत्तर होगा यानी कि द प्लेसेंटा इज एन ऑर्गन दैट डेवलप इन अ मदर यूरेटस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी प्लेसेंटा प्रोवाइड्स ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द ग्रोइंग फिटस एंड रिमूव्स वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द फिटल ब्लड तो इस तरह से ध्यान रखिएगा क्या ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करता है साथ ही साथ न्यूट्रिएंट भी प्रोवाइड करता है और वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालता है तो इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा तो प्लेसेंटा इसका सही उत्तर होगा अब देखिए जो बच्चे होते हैं पेट में माँ के पेट में तो इस तरह से होते हैं तो देखिए प्लेसेंटा एक जो है यहाँ पर टेम्परेरी ऑर्गन है जो कि माँ के पेट में डेवलप होती है और इससे देखिए कनेक्ट है तो देखिए ये है यूट्रेस और यह है फीटस फिटस जो है बच्चे हैं तो इस तरह से थोड़ा सा जरूर ध्यान रखिएगा पेपर तो डिस्कस करेंगे वो है डी साल में एक्जीक्यूटिव सिविल का पेपर हुआ था 25 अगस्त दो तेईस को थर्ड शिफ्ट में तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने कि उत्तर लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा है तो आभासी है यानी कि दैट इज़ ए वर्चुअल उसके बाद इरेक्ट है यानी कि सीधा है और साथ ही साथ वस्तु से बड़ा है यानी कि लार्जर देन द ऑब्जेक्ट तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए यानी कि वस्तु को हम जैसे इस तरह से उत्तर लेंस बनाते हैं तो इसमें वस्तु को हम कहाँ पर रखेंगे तो दोस्तों वस्तु को रखेंगे फोक यानी कि ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में तो इस तरह से यानी कि एफ़ वन अगर है तो इसके बीच में हम रखेंगे यानी कि फोकस एफ वन और ऑप्टिकल सेंटर ओ के बीच में हम लोग रखेंगे तो करेक्ट उत्तर इसका डी सही होगा इसको ज़रूर ध्यान रख लीजिएगा अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेट की दीवार में मौजूद गैस्ट्रिक ग्रंथियां द्वारा जारी प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम को क्या कहा जाता है यानी कि प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है कैसा है तो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है जो कि रिलीज करती है गैस्ट्रिक ग्लैंड जो कि प्रजेंट होती है वॉल ऑफ द स्टमक तो उसको क्या बोलते हैं तो उसको दोस्तों बोलते हैं पेप्सिन तो करेक्ट उत्तर इसका सी सही होगा इसको जरूर ध्यान रखिएगा करेक्ट उत्तर इसका सी सही हो जाएगा उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओजोन ऑक्सीजन के कितने परमाणुओं द्वारा निर्मित एक अणु है यानी कि ओजोन क्या है तो ऑक्सीजन के जो है ओ परमाणुओं द्वारा निर्मित एक अणु है यानी कि ओजोन क्या है एक अणु है जो कि ओ थ्री परमाणुओं द्वारा निर्मित एक अणु है तो इसको ध्यान रखिएगा यानी कि तीन परमाणुओं द्वारा तो तीन परमाणुओं द्वारा निर्मित एक अणु है इसको जरूर ध्यान रखिएगा ओ थ्री इसका सिंबल होता है ओजोन तो का काम क्या होता है तो बेसिकली ओजोन एक लेयर है जो कि ए समताप मंडल में है तो इसको ध्यान रखिएगा जो कि सूर्य से आने वाली प्रावगनिक किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा और इसकी मोटाई की जो मापने की इकाई है वो डॉब्सन है तो इसकी यूनिट क्या है मोटाई की तो डॉब्सन यूनिट है इसको जरूर ध्यान रखिएगा अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फूल वाले पौधों में लैंगिक प्रजनन दैट इज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही सुमिलित है तो क्या है सही पूछा गया है कैसे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट इज अ लैंगिक प्रजनन के बारे में तो देखिए पपीता क्या एक लिंगी है जी हाँ पपीता क्या है एक लिंगी है तरबूज क्या उभय लिंगी या नहीं तरबूज भी एक लिंगी का ही एग्जाम्पल है तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा यानी कि तरबूज और पपीता दोनों में यहाँ पर आपको ध्यान रखिएगा कि यूनिसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो करेक्ट उत्तर देखिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पपीता ही सही होगा तो करेक्ट उत्तर इसका ए होगा यानी कि केवल एक होगा तो इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव है जो कि ध्यान रखना है एकाधिक विखंडन द्वारा एक साथ कई पुत्री कोशिकाओं में विभाजित होता है कैसा है तो यूनिसेलुलर दैट इज ए एक कोशिकीय जीव है और क्या होती है तो डिवाइड इंटू मेनी डॉटर सेल सैमल्टेनसली बाई मल्टीपल फ्यूजन तो इसको ध्यान रखना है मल्टीपल फ्यूजन के द्वारा मेनी डॉटर सेल में जो है विभाजित हो जाती है तो इसको बोलते क्या हैं तो दोस्तों इसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम तो करेक्ट उत्तर इसका सी होगा प्लाज्मोडियम कैसा है तो एक कोशिकीय जीव है इसको भी जरूर ध्यान रख लीजिएगा अमीबा भी एक कोशिकीय जीव है तो इसको भी ज़रूर ध्यान रखिएगा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है गोलाकार दर्पण की बकरता त्रिज्या आर और फोकल लंबाई एफ के बीच में सही संबंध है तो कैसा है तो यहाँ पर स्फेरिकल यहाँ पर जो है आपको ध्यान रखना है द मिरर है अस्फेरिकल मिरर है यानी कि गोलाकार दर्पण है जिसमें आर जो है आपको बकरता त्रिज्या, दैट इज़ ए रेडियस ऑफ कर्वेचर है एफ जो है यहाँ पर फोकल लेंथ है तो दोनों के बीच में रिलेशन्स क्या होते हैं तो यफ इजकल टू आर बाई टू होता है इसको जरूर ध्यान रखिएगा यानी कि फोकल लेंथ जो है यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा तो एफ इजकल टू आर बाई टू दैट इज़ ए आर इजकल टू टू एफ तो करेक्ट उत्तर इसका डी सही हो जाएगा इसको ज़रूर ध्यान रख लीजिएगा उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि संग मरमर दैट इज़ ए मार्वल का केमिकल फार्मूला क्या है तो मार्वल का यहाँ पर केमिकल फार्मूला है सी ए सी ओ थ्री दैट इज़ ए कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट सी ए सी ओ थ्री है करेक्ट उत्तर इसका सी सही होगा उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि सौर सेल बनाने में किस तत्व का उपयोग किया जाता है तो देखिए जो सोलर सेल बनाई जाती है उसमें हम लोग बेसिकली क्या करते, है? तो करते हैं तो सेमीकंडक्टर का यूज़ करते हैं तो सेमीकंडक्टर दो यूज़ होते हैं जर्मेनियम और सिल्कन तो यानी कि जर्मेनियम और सिल्कन तो यहाँ पर देखिए सिलकन इसका सही उत्तर होगा तो करेक्ट उत्तर इसका जो है यहाँ पर सी सही होगा तो जर्मेनियम और सिल्कन क्या है सेमी है तो सिलकन का यूज़ यहाँ पर सोलर सेल बनाने में किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है अब देखिए डोब राइनर का ट्राइड्स के संबंध में कौन सा कथन सही है तो यहाँ देखिए सही कथन पूछा जा रहा है किसके बारे में तो डोबे राइनर ट्राइड्स के संबंध में तो देखिए जो डोबे राइनर जो ट्राइड्स हैं उसमें क्या होते हैं कि एट तीन तीन का जो है यहाँ पर बनाया जाता है ट्राइड ट्राइड बनाया जाता है जिसमें क्या होता है जो बीच वाले तत्व होते हैं इन दोनों का बेसिकली एवरेज होता है तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा यानी कि देखिए डोबे रया ने दिखाया कि जब त्रिक में तीन तत्वों को बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में लिखा जाता है क्या करते हैं तो इसको भी जरूर ध्यान रखिएगा बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में लिखा गया था मध्य तत्व का परमाणु द्रव्यमान क्या मध्य तत् तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान है वो अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत था तो ये बिल्कुल सही है और देखिए जो डोबेराइनर का ट्राइड्स था उसमें जो है आठ जो है आठ जो है ट्राइड्स की पहचान की गई थी नहीं जी एक गलत है क्योंकि तीन जो है ट्राइड्स की पहचान की गई थी तो इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा तो तीन ट्राइड थी तो ए हो गया गलत यानी कि सिर्फ और सिर्फ ए यहाँ पर हो गया सही यानी कि एक हो गया यहाँ पर एक और यहाँ दो होना चाहिए तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक सही है तो करेक्ट उत्तर इसका ए सही हो जाएगा इसको जरूर ध्यान रखिएगा उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि पी पैमाने के संबंध में कौन सा कथन सही है तो क्या है पी पैमाने में जो है सही कथन यहाँ पर पूछा जा रहा है तो देखिए सबसे पहले पी स्केल होता क्या है तो पी एच स्केल बेसिकली होता क्या है तो अम्लता या क्षार्यता को व्यक्त करने के लिए एक स्केल का जो है यहाँ पर निरूपण किया गया इसलिए जो है इसको पी एच स्केल तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा तो पी एच स्केल में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर सात जो है न्यूट्रल होता है यानी कि न्यूट्रल का जो पी मान होता है वो सात होता है और इस देखिए ऊपर जो बढ़ते जाएगा चौदह तक तो ये होता है आपको बेसिक यानी कि क्षारिय का होता है सात से कम होगा तो अम्ल की तरफ बढ़ता है तो ध्यान रखिएगा सात से कम अम्लता जैसे कि यानी कि घटते जाएगा तो अम्लता उसकी बढ़ती जाएगी और सात से ऊपर जैसे जैसे बढ़ते जाएगा उस क्षार्यता बढ़ती जाएगी तो ध्यान रखिएगा और देखिए पी एच ए फार्मूला भी पूछा गया पी एच इज कल टू होता है माइनस लॉग एच प्लस आयन माइनस लव एच प्लस आयन होता है इसको जरूर ध्यान रखिएगा अब देखिए क्वेश्चन पे आते हैं इतना समझाने के बाद किसी उदासीन बिलियन का पीएच मान सात होता है जी हाँ मैंने समझाया तो ऑप्शन ए सही है पीएच पैमाने पर सात से अधिक मान अम्लीय बिलियन का प्रतिनिधित्व करता है नहीं एक गलत हो गया क्योंकि क्षारीय बिलियन का प्रतिनिधित्व करता है तो दूसरा हो गया गलत तो केवल एक ही यहाँ पर सही है तो ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा इसको जरूर ध्यान रखिएगा अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत जनरेटर के संबंध में कौन सा कथन सही है यानी कि इलेक्ट्रिक जनरेटर के संबंध में कौन सा कथन सही पूछा जा रहा है तो देखिए सबसे पहले जनरेटर का काम क्या होता है तो जनरेटर का काम होता है बिजली पैदा करना तो यानी कि मैकेनिकल एनर्जी देते हैं यानी कि उसमें हम जो है किरासन तेल या फिर डीजल डालते हैं तो डीजल इससे बेसिकली चलती है तो हम डीजल डालते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम उसको मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हैं यानी कि मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तो यह एक विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है नहीं ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है विद्युत ऊर्जा को तो यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है मोटर इसको ध्यान रखिएगा तो मोटर और जनरेटर में यही डिफरेंस है मोटर क्या करती है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है जबकि जनरेटर क्या करती है तो यहाँ पर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। तो पहला स्टेटमेंट पर हो गया गलत जनरेटर के संबंध में और यह विद्युत हाँ, तो दूसरा स्टेटमेंट यहां पर सिर्फ सही हो गया तो करेक्ट उत्तर इसका सी हो गया केवल दूसरा ही यहां पर सही है अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि आवर्त में किसी आवर्त में बाएं से अगर दाएं जाते हैं क्या करते हैं तो देखिए अवर्त होती है जो लेटी हुई लाइनें होती है यानी कि सात होती है अवर्त अठारह होते हैं वर्ग तो देखिए इसमें अगर हम लेफ्ट से राइट जाते हैं दैट इज़ ए फ्रॉम लेफ्ट टू राइट यानी कि बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या का यहाँ पर जो है क्या रहता है तो परमाणु त्रिज्या जो है डिक्रीज हो जाती है यानी कि एटॉमिक जो रेडियस होती है वो यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगी क्यों तो देखिए एटॉमिक रेडियस गोज ऑन द डिक्रीजिंग वाइल्ड गोइंग फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट तो लेफ्ट से राइट जाएंगे तो डिक्रीज हो जाएगा बिकॉज द एटोमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इंक्रीजेस क्या होती है परमाणु संख्या का मान बढ़ते जाता है विच मीनस द नंबर ऑफ द प्रोटोन एंड द इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम्स इंक्रीजेस और यहां पर ध्यान रखिएगा इस वजह से जो है यहां पर रेडियस जो है घटती जाती है तो इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जो है मानव श्वसन प्रणाली का एक घटक है दैट इज ए कंपोनेंट ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का यहाँ पर कौन सा यहाँ पर एक घटक है तो डायफ्राम इसका सही उत्तर होगा करेक्ट उत्तर इसका सी सही होगा इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन जीवाश्म ईंधन का एक एग्जाम्पल है यानी कि दैट इज़ अ फोजिल फ्यूल का एक फॉलोइंग एग्जाम्पल्स है तो देखिए कोयला और पेट्रोलियम इसका सही उत्तर होगा क्योंकि फोजिल फ्यूल बोलते क्या हैं कि जमीन के नीचे बहुत सालों तक जो है रहते हैं तो हाई प्रेशर और के कारण जो है ए, जो है आपको बनते हैं जीवाश्म ईंधन तो इस वजह से कोयला और पेट्रोलियम इसका सही उत्तर होगा बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं लकड़ी से तो लकड़ी जो है जीवाश्म ईंधन का एग्जाम्पल नहीं है तो करेक्ट उत्तर इसका यहाँ पर एक और दो सही होगा तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो बिंदुओं किए गए कार्य W और आवेश Q के बीच संभावित जो है अंतर के बीच क्या संबंध है यानी कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट वी तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस वी वर्क डब्लू एंड चार्ज क्यू इसके बीच में संबंध क्या है तो देखिए वी इजकल टू डब्ल्यू वाई क्यू होता है इसको जरूर ध्यान रखिएगा कि यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इजकल टू वर्क वाई यहाँ पर चार्ज तो इस तरह से ध्यान रखिएगा वर्क डन वाई चार्ज होती है तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा करेक्ट उत्तर इसका सी सही हो जाएगा यानी कि वीजकल टू डब्ल्यू बाई क्यू तो इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा ए रिलेशन पे आपको छोटे छोटे नंबरिकल भी पूछे जा सके आज हम जो पेपर डिस्कस करेंगे वह है डी एफ सी सेल में जो एक्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल का पेपर हुआ था पच्चीस अगस्त दो हज़ार तेईस को सेकेंड शिफ्ट में तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि अवतल दर्पण के अगर सी और एफ़ के बीच में अगर किसी वस्तु के प्रति को रखते हैं तो प्रतिबिंब की स्थिति और उसकी जो नेचर क्या होगी तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा यानी कि पोजीशंस एंड नेचर यानी कि स्थिति और प्रकृति क्या होगी जब अपतल दर्पण में सी और एफ़ के बीच में हम वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा तो बियंड सी होगा यानी कि सी जो यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना है कि यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर से परे होगा और यहाँ पर वास्तविक और उल्टा होगा जी हाँ रियल एंड इन्वर्टेड होगा इसको जरूर ध्यान रख लेना है यानी कि बियॉन्ड सी एंड रियल एंड इन्वर्टेड होगा इसको जरूर ध्यान रखिएगा अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जानवर को कितने भी टुकड़ों में काटा जा सकता है और प्रत्येक टुकड़ा एक पूर्ण जीव में बदल जाता है जी हाँ ऐसा ही एक गुण है यहाँ पर हाइड्रा और प्लेनेरिया के साथ जी हाँ हाइड्रा हाँ, और प्लेनेरिया ऐसे जीव हैं जिनको आप किस कितने भी टुकड़े में काट सकते हैं और प्रत्येक टुकड़ा एक संपूर्ण जीव के रूप में जो है विकसित हो जाएगा तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा कि एनिमल्स कैन बी कट इनटू एनी नंबर ऑफ़ द पीसेस एंड ईच पीस ग्रो इनटू ए ऑर्गेनिजम्स तो हाइड्रा एंड प्लेनेरिया दोनों होगा तो करेक्ट उत्तर इसका बी होगा एक और दोनों होगा तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि एक उपकरण है जो सर्किट में करंट की उपस्थिति का पता लगाता है तो देखिए करंट का पता लगाने के लिए यानी कि धारा का पता लगाने के लिए हम आम मीटर का यूज करते हैं लेकिन अगर छोटी करंट वहाँ पर होती है तो हम गैल्वेनोमीटर का भी प्रयोग कर लेते हैं इसको जरूर ध्यान रखिएगा तो गैल्वेनोमीटर का भी काम है कि सर्किट में आपको छोटी धारा यानी कि स्मॉल करेंट को जो यहाँ पर पता लगाना मेजर करना वोल्टी वोल्ट मीटर मेट, वोल्ट से हम लोग वोल्टेज करते हैं रक्त दाव मापी यानी कि अस्फिग्मो मैनोमीटर से हम लोग क्या करते हैं ब्लड प्रेशर जो है मेजर करते हैं और उसके बाद पोटेंशियोमीटर से तनाव मापने का यंत्र है तो इस तरह से थोड़ा सा इसको जरूर ध्यान रखिएगा उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि शाकाहारी निम्नलिखित में से किस पोषी स्तर से संबंधित है तो देखिए हरबी वोर्स यानी कि शाकाहारी जो होते हैं वो आपको प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं सबसे पहले आपको ध्यान रखना है प्रोड्यूसर्स होते हैं प्रोड्यूसर्स के बाद आपको प्राइमरी कंज्यूमर्स दिखते हैं जो कि यहाँ पर हरवी वोर्स होते हैं तो इसको ध्यान रखिएगा तो यहाँ पर प्राथमिक उपभोक्ता इसका सही होगा जो कि शाकाहारी होते हैं तो इस तरह से इसको ध्यान रखिएगा अब देखिए सिंपल फूड चेन है इसको भी एक बार देख लीजिए कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं तो देखिए इनर्जी आती है सन से यानी कि सूर्य से आती है फिर यहाँ पर जो है ग्रास यानी कि प्रोड्यूसर्स होते हैं जो पेड़ पौधे होते हैं उसके बाद देखिए प्राइमरी कंज्यूमर्स जो कि यहाँ पर यहाँ पर प्रोड्यूसर्स को खाते हैं जैसे कि ग्रास होपर्स फिर ग्रास होपर्स को खाते हैं वर्ड दैट इज अ सेकेंडरी कंज्यूमर फिर वर्ड को खाते हैं यहाँ पर फॉक्स दैट इज़ ए टर्सरी कंज्यूमर तो ये सिंपल फूड चेन है इसको भी ध्यान रखिएगा अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोयले का जलना किस जो है रिएक्शंस का एग्जाम्पल्स है किस प्रतिक्रिया का एग्जाम्पल है तो देखिए ये होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन दैट इज ए संयोजन जो है यहाँ पर रिएक्शंस होता है तो कोयले का जलना एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा करेक्ट उत्तर इसका बी सही हो जाएगा अब देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रसायन सोडियम क्लोराइड से प्राप्त होता है तो देखिए सोडियम क्लोराइड क्या होता है तो NaCl दैट इज साधारण नमक भी इसको बोलते हैं तो इससे कौन-कौन सा जो है यहां पर आपको रसायन जो है प्राप्त किया जा सकता है तो देखिए बेकिंग सोडा प्राप्त होता है धुलाई का सोडा भी प्राप्त होता है और एक प्राप्त होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज ए कौष्टिक सोडा तो देखिए कौष्टिक सोडा होता है एन ए ओ एच जी हाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको बोलते हैं कौष्टिक सोडा या फिर आपको ध्यान रखना है सोडियम हाइड्रोक्साइड तो ये भी सोडियम क्लोराइड यानी नमक से प्राप्त होता है उसके बाद देखिए एन ए एच सी ओ थ्री होता है एन ए एच सी ओ थ्री ये क्या होता है तो सोडियम बाइकार्बोनेट जी हाँ सोडियम बाई कार्बोनेट इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं बेकिंग सोडा दैट इज ए खाने का सोडा उसके बाद होता है धोने का सोडा एन ए टू सी ओ थ्री इन टू टेन एच टू ओ तो इसको बोलते हैं धोने का सोडा दैट इज ए धावन सोडा और इसको जो है वाशिंग सोडा भी बोलते हैं इसको सोडियम जो है यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना है तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना एन ए टू सी ओ थ्री इंटू टेन एच टू एन ए टू सी ओ थ्री इंटू टेन एच टू इसको जो है धुलाई का सोडा या फिर वासिंग सोडा बोलते हैं तो इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा तो इसका जो है करेक्ट उत्तर होगा यहाँ पर C होगा एक और दो दोनों इसके साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि कौष्टिक सोडा एन ए ओ एच भी ध्यान रखिएगा तो तीन जो है यहाँ पर रसायन मुख्यतः जो है बनाए जाते हैं सोडियम क्लोराइड से अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिजली उत्पादन के लिए पवन ऊर्जा का उपयोग करने में भारत किस पे तो भारत स्थान पे है तो देखिए भारत जो है पाँचवा स्थान पे है यानी कि सौर पवन ऊर्जा सॉरी विंड एनर्जी का यहाँ पर प्रयोग करके जो है भारत जो है बिजली उत्पादन करने में दुनिया में पाँचवां स्थान रखता है इसको भी ध्यान रखिएगा उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव है छोटी छोटी कलियाँ निकाल सकता है जो अलग अलग होकर आगे बढ़ती है तो एक कौन सा है तो इसको बोलते हैं दोस्तों ईस्ट और एक हाइड्रा भी होता है इसको भी ध्यान रखिएगा ये क्या होता है एक कोशिकीय जीव होती है दैट इज़ ए यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसको कैन पुट इन आउट स्मॉल वर्ड्स दैट सेपरेट एंड ग्रो फर्दर तो ईस्ट इस इसका सही उत्तर हो जाएगा और देखिए एक कोशिकीय जीव अमीवा भी है तो इसको भी जरूर ध्यान रखिएगा प्लाज्मोडियम भी है तो इसको भी जरूर ध्यान रखिएगा अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटीन के संश्लेषण में उपयोग किए जाने वाला एक आवश्यक तत्व कौन सा है तो किसके संश्लेषण में तो प्रोटीन के संश्लेषण में प्रोटीन किसका बना होता है तो अमीनो एसिड का इसको भी ध्यान रखिएगा कि प्रोटीन किसका बना होता है तो अमीनो एसिड का बना होता है तो प्रोटीन के संश्लेषण में जो उपयोग होता है वो नाइट्रोजन जो है यहाँ पर एलिमेंट का उपयोग किया जाता है तो इसको करेक्ट उत्तर बी सही होगा इसको जरूर ध्यान रखिएगा अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण ओम के नियम का सही प्रतिनिधित्व करता है तो ओम का नियम क्या कहता है भी इजकल टू आई आर जहाँ पर भी जो है संभावित अंतर दैट इज ए पोटेंशियल डिफरेंस है आई यहाँ पर जो है करंट है और आर जो है रेसिस्टेंस है दैट इज ए प्रतिरोध तो भी इजकल टू आई आर ए आपको ओम्स का नियम है तो देखिए भी इजकल टू आई आर दैट इज ए यहाँ पर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा तो इसको भी आप बदल सकते हैं देखिए भी इज कल टू आई आर तो यहाँ पर आई निकालना है तो दैट इज़ अ अर तो इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक आवधिक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है दैट इज अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के रूप में पूछा गया है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को दिया किसने है तो मोसले तो मोसले ने दिया है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल उसके बाद इसमें ध्यान रखना है कि इसमें जो एलिमेंट जो है वो फंक्शंस होते हैं देयर एटॉमिक नंबर ना कि एटॉमिक मास एटॉमिक मास था मेन्डलिव के पीरियोडिक टेबल में तो ध्यान रखिएगा तो देखिए तत्वों के गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं नहीं परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत ये अगर मेंडलिव का पीरियोडिक टेबल के बारे में बात करता तो ये सही होता लेकिन ये जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अनुसार ये गलत है और देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में अठारह जो है ऊर्ध्वाधर स्तंभ है जिन्हें समूह के नाम से जानते हैं दैट इज ए ग्रुप अठारह है ये सही है और सात जो है छातीज पंक्तियाँ दैट इज़ ए औरजेंटल रो है तो इस तरह से उसमें सात जो है इसको बोलते हैं पीरियड तो देखिए दूसरा सही है तो करेक्ट उत्तर होगा बी केवल दूसरा ही यहाँ पर सही है अब देखिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को यहाँ पर देख लीजिए तो देखिए यहाँ पर आपको बात की जा रही थी ये आपको भटके लाइन की तो टोटल अठारह ग्रुप है और देखिए सात जो है यहाँ पर आपको ध्यान दीजिएगा कि सात जो है पीरियड है जो कि हॉरिजॉन्टल लाइंस है अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर के बाहर से ऑक्सीजन प्राप्त करने और सेलुलर जरूरतों के लिए खाद्य स्रोतों के टूटने की प्रक्रिया में इसका उपयोग करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है द द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्राम द आउट साइड द बॉडी एंड टू यूज़ इट इन द प्रोस ऑफ द ब्रेक डाउन ऑफ द फूड सोर्सेज फॉर द सेलुलर नीड्स तो हम लोग एक करते हैं तो रेस्पायरेशन से इसका सही उत्तर होगा दैट इज अ शोषण इसका सही क्योंकि हम लोग ऑक्सीजन बाहर से लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो एक खाद्य स्रोतों के जो है यहाँ पर पचाने का काम करता है तो ब्रेक डाउन ऑफ द फूड सोर्सेज तो इसको रेस्पायरेशन एंड दैट इज ए सोशन इसको बोलते हैं उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवाश्म ईंधन के संबंध में दैट इज अ फोजिल फ्यूल के संबंध में करेक्ट उत्तर यहां पर पूछा जा रहा है दैट इज अ सही स्टेटमेंट तो देखिए जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत है नहीं ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत है, है। नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत तो सोलर एनर्जी विंड एनर्जी तो इस तरह से आपको जरूर ध्यान रखना है तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत जीवाश्म ईंधन जलाने से अम्लीय वर्षा होती है जी हाँ क्योंकि इससे इस जो है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलते हैं जो कि कर्मशा सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाते हैं जो कि अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं तो जीवाश्म ईंधन करते हैं तो करेक्ट यहाँ दूसरा स्टेटमेंट सही होगा तो केवल दूसरा ही यहाँ पर सही हो जाएगा दैट इज बी स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएगा इसको जरूर ध्यान रखिएगा अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्टेव का नियम दैट इज अ लॉ ऑफ ऑक्टेव जो है किसने दिया था तो न्यूलैंड्स का ऑक्टेव रूल है तो जॉन न्यूलैंड्स इसका सही उत्तर होगा इसको जरूर ध्यान रखिएगा अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस भौतिक माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक उच्चतम है तो देखिए वैसे तो जो है डायमंड्स जो है कई बार आंसर में होता है लेकिन यहाँ पर डायमंड्स है ही नहीं तो यहाँ पर जो है आपको ध्यान रख लेना है कि इसमें से अगर पूछा जाए तो कार्बन डाईसल्फाइड इसका सही उत्तर होगा तो दिए गए ऑप्शन में से कार्बन डाईऑक्साइड का जो है कार्बन डाइसल्फाइड सॉरी कार्बन डाईसल्फाइड का जो यहाँ पर हाइएस्ट जो है आपसोलूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है अब देखिए रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होता क्या है दैट इज ए जो है यहाँ पर अपवर्तनांक होता क्या है तो देखिए यहाँ पर जो है वैक्यूम से जो है इंसिडेंट रे आ रही है और नीचे वाटर है तो यहाँ पर जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो स्पीड इन वैक्यूम यानी कि जो वैक्यूम में स्पीड है और डिवाइडेड बाय जो है स्पीड इन मीडियम तो यानी यहाँ पर देखिए मीडियम कुछ भी हो सकता है लेकिन ऊपर जो है स्पीड इन वैक्यूम ही रखना है तो इसको जरूर ध्यान रख लेना है चाहे यहाँ पर देखिए जो है वाटर की जगह ग्लास हो तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग हो सकती है तो इस तरह से ध्यान रखिएगा यानी कि मीडियम पे डिपेंड डिपेंड करती है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कि किस मीडियम में जो है ट्रेवल कर रही है तो इस तरह से ध्यान रखिए जो पेपर डिस्कस करेंगे वह है डी एफ सेल में जूनियर एक्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल का पेपर हुआ था चौबीस अगस्त दो में सेक फर्स्ट शिफ्ट में अब देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन के दो रूप कौन से हैं यानी कि द, जो टू फॉर्म्स है ऑक्सीजन का वो फाउंड इन द एटमॉस्फेयर इज ऑक्सीजन और ओजोन तो ध्यान रखिएगा O2 और O3 तो इस तरह से ध्यान रखिएगा तो यहाँ पर ऑक्सीजन के दो रूप जो है वायुमंडल में पाए जाते हैं इसको जरूर ध्यान रखिएगा तो करेक्ट उत्तर इसका डी होगा ओजोन और ऑक्सीजन ओजोन जो यहाँ परत है वो समताप मंडल दैट इज स्टेटोस्फेयर में पाई जाती है जो कि प्रावेगनिक किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस धातु में गैलेना नामक अयस्क पाया जाता है यानी कि फॉलोइंग मेटल्स गैलेना तो गैलेना जो ओर है वो आपको लेड के निष्कर्षण के लिए उपयोग में लाया जाता है तो यानी कि सीसा इसका सही उत्तर होगा यानी कि सीसा धातु में गैलेना नामक एस्क पाया जाता है और जो है इसी से जो है सीसा का निष्कर्षण किया जाता है अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबक का कोर क्या होना चाहिए यानी कि द तो कोर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो कोर होना चाहिए वो सॉफ्ट आयरन का बना होना चाहिए जी हाँ सॉफ्ट आयरन का बना होना चाहिए ऐसा क्यों क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट कोर शुड बी मेड अप सॉफ्ट आयरन बिकॉज सॉफ्ट आयरन लूजेस ऑल इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ वैन द करेंट इन द क्वालिज स्विच ऑफ यानी कि जब हम करंट को स्विच ऑफ कर देते हैं तो सॉफ्ट जो आयरन होता है वो अपनी सारी जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को लूज कर देती है तो इस तरह से इसीलिए जो है हम जो है सॉफ्ट आयरन का जो है कोर बनाते हैं इलेक्ट्रो के लिए तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फैमिलीज़ आर कैरेक्टराइज ऑन विच ऑफ़ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ द प्लांट स्पेसीज यानी कि परिवार की पहचान पौधों की प्रजातियों के निम्नलिखित में से किस विशेषता पर की जाती है तो दोस्तों वनस्पति एवं प्रजनन अंग दैट इज़ अ वेजिटेटिव एंड द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पे यहाँ पर किया जाता है तो करेक्ट उत्तर इसका सी सही होगा इसको भी जरूर ध्यान रखना है अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ब्लॉक को आंतरिक जो है संक्रमण तत्व कहा जाता है यानी कि इनर ट्रांजिशन एलिमेंट जो है बोला जाता है तो देखिए चार जो है ब्लॉक पाए जाते हैं पीरियोडिक टेबल में जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसका नाम है एस पी डी एफ ध्यान रखिएगा तो जो संक्रमण यहाँ पर इनर जो ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है वो बोला जाता है एफ ब्लॉक को तो जी हाँ एफ ब्लॉक को बोला जाता है तो करेक्ट उत्तर इसका डी सही होगा इसको भी ज़रूर ध्यान रखना है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एक समतल दर्पण को एक निश्चित कोण से घुमाया जाता है क्या करते हैं जब हम प्लेन मिरर को एक सर्टेन एंगल पे रोटेट करते हैं द रिफ्लेक्टेड रे टर्न्स थ्रू ट्वाइस तो जो रिफ्लेक्टेड रे होते हैं वो दुगनी एंगल से मुड़ जाती है लेकिन साइज़ ऑफ इमेज क्या रहती है यानी कि छवि के आकार क्या होती है ये पूछा जा रहा है तो वैसा ही रहता है यानी कि छवि यानी कि इमेज पे उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है बस उसका क्या होता है प्रवर्तित किरण जो है दुगनी एंगल से घूम जाती है जी हाँ यही आपको ध्यान रखना है कि इमेज पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता यानी कि वैसा ही रहता है यानी कि रिमेंस द सेम अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग यौन संचारित रोग नहीं है यानी कि नॉट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है तो देखिए यहाँ पर सिफिलिस है तो यहाँ पर सिफिलिस है एड्स भी है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशेंसी सिंड्रोम है और देखिए यहाँ पर गोनोरिया भी है तो यहाँ पर हाइजा यानी कि दैट इज अ कॉलरा यहाँ पर सही उत्तर होगा क्योंकि कॉलरा जो है यहाँ पर एक यौन संचारित रोग नहीं है इसको जरूर ध्यान रखिएगा अब देखिए गोनोरिया थोड़ा सा जो है डिस्कस करने लायक है तो गोनोरिया इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस है आल्सो कॉलेज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो कि बैक्टीरिया के कारण होता है तो गोनोरिया जो है बैक्टीरिया के कारण होता है और एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज भी है अब देखिए जो आकाशीय बिजली चमकती है वो किस कारण से चमकती है जब बरसात होती है तो उस समय आपने देखा होगा कि आकाश में जो है बिजली चमकती है तो किस कारण से होता है तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के कारण होता है यानी कि बिजली के निर्वहन के कारण होता है दैट इज़ ए ध्यान रखना है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के कारण लाइटनिंग अकर्स इन द एटमोस्फेयर अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्मलखित में से कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटोप नहीं है तो ध्यान रखिएगा हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप हैं तो ध्यान रखिएगा प्रोटियम ड्यूटीरियम और ट्राइटियम तो ध्यान रखिएगा तो देखिए प्रोटियम ड्यूटेरियम और ट्राइटियम तो यहां पर रेडियम नहीं है तो रेडियम इसका सही उत्तर होगा तो ड्यूटेरियम के ऑक्साइड डी टू ओ तो जिसको भारी जल भी बोलते हैं इसको भी जरूर ध्यान रख लीजिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि आवर्त सारणी में कितने ब्लॉक हैं अभी मैंने बताया था कि आवर्त सारणी में चार ब्लॉक है एस पी डी एफ जी हाँ एस पी डी एफ चार ब्लॉक हैं तो करेक्ट उत्तर इसका ए होगा चार इसका सही उत्तर हो जाएगा अब देखिए इस तरह से आप पीरियोडिक टेबल में देख पा रहे होंगे इसमें देखिए अट्ठारह जो है आपको ग्रुप है सात पीरियड है चार ब्लॉक है तो इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था जी हाँ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम दैट इज़ ए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट उन्नीस में जो है यहाँ पर लागू किया गया था देखिए इंदिरा गांधी गई थी स्टॉक होम सम्मेलन में उन्नीस में हुआ था तो वहाँ से आई तो इन्होंने दो महत्वपूर्ण फैसले लिए पहला उन्नीस में ही इन्होंने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया फिर उन्नीस सौ ईस्वी में प्रोजेक्ट टाइगर को लागू किया तो उन्नीस इसका सही होगा अब देखिए इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है उन्नीस का इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्स्ट एक्ट है सॉरी उन्नीस का इसको भी ज़रूर ध्यान रख लीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है तो देखिए प्राकृतिक संसाधन दैट इज ए नेचुरल रिसोर्स तो देखिए यहाँ पर आपको सांप भी है आम का पेड़ भी है हवा भी है लेकिन बिजली जो है यहाँ पर नेचुरल रिसोर्स नहीं है तो करेक्ट उत्तर इसका डी सही होगा इसको जरूर ध्यान रखिएगा अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि उभय लिंगी फूल कौन सा है दैट इज ए बाई फ्लावर की बात यहाँ पर की जा रही है तो देखिए पपीता यहाँ पर यूनिस जो है सेक्सुअल है तरबूज भी यहाँ पर है और यहाँ पर कोकुम्बर भी है लेकिन हिविसकुस जो है यहाँ पर जो है करेक्ट उत्तर होगा तो एक क्या है तो वाई सेक्सुअल फ्लावर है हिविसकुस तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा करेक्ट उत्तर इसका सी सही होगा और पपीता तरबूज और खीरा ये क्या है तो एक लिंगी है ध्यान रखिएगा एक लिंगी है दैट इज़ ए यूनिसेक्सुअल है इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक विशेष रूप से मौसमी प्रजा को पौधों और जानवरों दोनों में प्रजनन को प्रभावित करता है यानी कि फैक्टर्स जो है एक्सक्लूसिवली अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन द सेक्सुअल ब्रीडर्स बोथ प्लांट्स एंड द एनिमल तो फोटो पीरियड इसका सही उत्तर होगा तो करेक्ट उत्तर इसका ए सही होगा इसको जरूर ध्यान रखिएगा अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक हैं तो देखिए दो होते हैं जैविक घटक और अजैविक घटक दैट इज ए बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम तो देखिए जो जैविक घटक होते हैं तो उसमें देखिए उत्पादक आते हैं उपभोक्ता आते हैं और डिक्पोजर आते हैं तो यहां पर करेक्ट उत्तर होगा बी जबकि यहाँ पर अजैविक घटक में जैसे वायु आ गया मिट्टी आ गया तो इस तरह से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना यानी कि जो जीवित है वो जैविक और जो निर्जीव है वो आपको अजैविक घटक में आते हैं हम जो पेपर डिस्कस करेंगे वो है डी एफ में जो एक्सिक्यूटिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पेपर हुआ था कब तो चौबीस अगस्त दो को सेकेंड शिफ्ट में अब देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि विच ऑर्गन ऑफ द ऑल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्ट एज द साइट ऑफ इंप्लीमेंट इम्प्लांटेशन ऑफ द फीटस यानी कि संपूर्ण महिला प्रजनन प्रणाली का कौन सा अंग जो है भ्रूण के आरोपण स्थल के रूप में कार्य करता है क्या करता है तो भ्रूण के आरोपण दैट इज ए इम्प्लांटेशंस स्थल का कार्य करता है तो कौन सा करता है तो यूटरस इसका सही उत्तर होगा तो यूटरस इसका यानी कि गर्भाशय इसका सही उत्तर होगा तो यहाँ पर जो है आरोपण स्थल के रूप में कार्य करता है संपूर्ण महिला प्रजनन जो प्रणाली का अंग होता है तो भ्रूण को इसको जरूर ध्यान रखिएगा अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव विखंडन द्वारा प्रजनन नहीं कर सकता है यानी कि विच ऑर्गन्स कैन नॉट मल्टीप्लाई बाई फ्रेगमेंटेशन यानी कि विखंडन के द्वारा वो प्रजनन नहीं कर सकता है तो यहाँ पर देखिए क्या कवक कर सकता है जी हाँ कवक भी कर सकता है उस उसके बाद देखिए सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म कर सकता है नहीं तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से नहीं कर सकता है यानी कि एक कोशिकीय जीव नहीं कर सकता है तो यहाँ पर देखिए फिलामेंटस अलगी भी कर सकता है और प्लेनेरिया भी कर सकता है तो करेक्ट उत्तर इसका बी होगा क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा जा रहा है तो एक कोशिकीय जीव जैसे कि अमीबा वगैरह ये सब नहीं करता है तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन तो देखिए वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो है यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस है वो पाँच जून को सेलिब्रेट किया जाता है अब देखिए पाँच जून को ही क्यों क्योंकि पाँच जून उन्नीस को यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की स्थापना की गई थी जो कि इसका हेडक्वार्टर रखा गया केन्या नेरूबी में और उन्नीस में ही अस्टॉक होम सम्मेलन के बाद ही इसका यू का गठन किया गया उसके बाद उस सम्मेलन में इंदिरा गांधी जी भी गई थी तो भारत में भी दो महत्वपूर्ण फैसले लिए गए उन्नीस में जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया यानी कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम और उन्नीस में प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा अब देखिए जो विश्व पर्यावरण दिवस है वो पाँच जून उन्नीस से जो है शुरू किया गया पाँच जून उन्नीस से इसको शुरू किया गया उन्नीस में यू एन ई पी की स्थापना पाँच जून उन्नीस को की गई थी इसलिए जो है पाँच जून को ही हम लोग जो है विश्व पर्यावरण दिवस जो है सेलिब्रेट करते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जीव समूह में प्रजनन वृद्धि का पर्याय है यानी कि रिप्रोडक्शन इज सिनम्स विद ग्रोथ इन विच ऑफ़ द फॉलोइंग सेट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स तो कौन सा सेट यहाँ पर सही होगा तो देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है बैक्टीरिया यूनिसेल्युलर अलगी एंड अमीबा यानी कि बैक्टीरिया एक कोशिकीय शैवाल और अमीबा तो यानी कि बी इसका सही उत्तर होगा इसी जो है सेट ऑफ़ द ऑर्गेनिजम्स में जो है प्रजनन वृद्धि का पर्याय माना गया है इसको जरूर ध्यान रखिएगा अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा एक अस्थाई अंग है जो एक स्तनधारी माँ को उसको भ्रूण से जोड़ता है तो देखिए एक यहाँ पर आपको बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं तो देखिए यहाँ पर जो है प्लेट प्लेसेंटा इसका सही उत्तर होगा यानी कि नाल यानी कि प्लेसेंटा यहाँ पर सही उत्तर होगा इसको जरूर ध्यान रखिएगा ये क्या करता है एक अस्थाई दैट इज अ टेम्प्रेरी ऑर्गन है दैट कनेक्ट्स ए ममेलियन मदर टू इट्स फिटस तो ध्यान रखिएगा अब देखिए फोटो भी आपको दिखाते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा तो ये देखिए है प्लस, प्लेसेंटा प्लेसेंटा है ये यूटरस है और फीटस है तो यहाँ पर जो है देखिए फिटस को यहाँ पर मेमलियन मदर से जो है कनेक्ट करती है एक टेम्पररी ऑर्गन जिसको प्लेसेंटा बोलते हैं इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा तो यहाँ पर बच्चों को जो ऑक्सीजन चाहिए जो फूड बेसिकली चाहिए यानी कि जो ऑक्सीजन उसके बाद ब्लड तो इस तरह से जो है इसको प्रोवाइड करती है और जो यहाँ पर जो यहाँ पर मल वगैरह होगा उसको थोड़ा सा बाहर निकालेगा तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा अब देखिए निम्नलिखित में से कौन चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता अब देखिए चुंबक यानी कि मैग्नेट किसको अट्रैक्ट करती है दैट इज़ अ फेरस मेटल को ध्यान रखिएगा फेरस मेटल को यहाँ पर अट्रैक्ट कर दी है तो देखिए यहाँ पर कोबाल्ट को इस्पात को और निकल को जबकि यहाँ पर पीतल को यानी कि ब्रास को अट्रैक्ट नहीं करेगी तो करेक्ट उत्तर इसका सी होगा सी इसका सही उत्तर होगा इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि एंटी एंटी परसिपरेंट डिओटोरेंट क्या है तो एंटी परसिपरेंट डिओटोरेंट है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व इसमें मौजूद होता है तो देखिए एंटी परसिपरेंट डियोटेरेंट में क्या होता है कि अल्मोनियम और जिंक के सा, साल्ट होते हैं क्या अल्मोनियम और प्लस जिंक दोनों के साल्ट होते हैं बेसिकली तो एलुमिनियम इसका सही उत्तर होगा और यहां पर देखिए जिंक का भी साल्ट होता है तो करेक्ट उत्तर इसका सी सही होगा इसको जरूर ध्यान रखिएगा अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने गंगा एक्शन प्लान तैयार किया है तो गंगा एक्शन प्लान जो है पर्यावरण विभाग ने तैयार किया है तो करेक्ट उत्तर होगा डी डिपार्टमेंट ऑफ इन्वॉयरमेंट जो है इसको जो है इम्प्लीमेंट यानी कि प्लान तैयार किया था इसको जरूर ध्यान रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुंजिया आमतौर पर प्रकृति में क्या होती है तो जो कुंजियाँ होती है दैट इज़ अ की आर जनरली एनालिटिकल इन द नेचर होती है क्या होती है तो यहाँ पर एनालिटिकल इन द नेचर होगी इसको जरूर ध्यान रखिएगा तो करेक्ट उत्तर इसका बी सही होगा यानी कि विश्लेषणात्मक इसका सही उत्तर हो जाएगा इसको जरूर ध्यान रखिएगा अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूने के पानी का रासायनिक नाम क्या है तो देखिए कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड आपको ध्यान रखना है कि जब इसमें पानी डाला जाता है यानी कि चूने में पानी जब डाला जाता है तो चूने का पानी बनता है दैट इज ए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सी ए ओ एच का होल ऐसा लिखते हैं सी ए ओ एच का होल टू तो इसको ध्यान रखिएगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका सही उत्तर होगा दैट इज इसका आंसर होगा बी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्कृष्ट गैस गे, है दैट इज अ नोबल गैस तो नोबेल गैस इसमें से कौन सा है तो देखिए हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन जनॉन रेडॉन तो ध्यान रखिएगा हीलियम यहाँ पर सही उत्तर होगा हीलियम क्रिप्ट हीलियम क्रिप्टॉन जनॉन रेडॉन तो हीलियम हो गया हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन तो जनॉन रेडॉन इस तरह से आपको जरूर ध्यान रखना है कि ये नोबेल गैस है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टैक्सोन क्या है तो टैक्सोन व्हाट इज टैक्सोन तो टेक्सॉन क्या है तो एक है ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स है यानी कि निकट संबंधी जीवों का एक समूह है उसको टेक्सॉन बोलते हैं तो करेक्ट उत्तर इसका डी होगा निकट संबंधी जीवों का समूह है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि एक शुक्राणु द्वारा छोड़ा गया एक लिटिक एंजाइम है क्या है तो लिटिक एंजाइम रिलीज तो लिटिक एंजाइम का नाम क्या है जो कि स्पर्म के द्वारा रिलीज किया जाता है तो है जो है हयालु तो हयालु रोनिडेज इसका सही उत्तर होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और याद रखना भी मुश्किल है तो ध्यान रखिएगा हयालु रोनीडेज शुक्राणु द्वारा छोड़ा गया एक लिटिक एंजाइम है अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था तो देखिए दस जो है हॉटस्पॉट उस समय खोजे गए थे कब 1988 में 1988 में तो इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग हॉटस्पॉट शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था तो नॉर्मन मेयर्स ने किया था करेक्ट उत्तर इसका बी होगा तो हॉटस्पॉट शब्द का सबसे पहला प्रयोग ये क्या नॉर्मन मेयर्स के द्वारा शुरू किया गया था जो कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड है ना कि आपको इंटरनेट से इसको जरूर ध्यान रखिएगा अब देखिए रॉयल बंगाल टाइगर निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाए जाते हैं तो देखिए नाम है रॉयल बंगाल टाइगर जो कि सुंदरवन डेल्टा से संबंधित है तो करेक्ट उत्तर इसका ए होगा सुंदरवन डेल्टा सुंदरवन डेल्टा जो गंगा और ब्रह्मपुत्रा के जो डेल्टा क्षेत्र हैं उसको सुंदरवन डेल्टा नाम बोला जाता है जो कि पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में पाए जाते हैं तो ध्यान रखिएगा जो कि यहाँ पर सुंदरी ट्री पाई जाती है सुंदरी ब्रिज पाई जाती है इसके नाम पे ही इस डेल्टा का नाम सुंदरवन डेल्टा रखा गया है यहाँ पर ही रॉयल बंगाल टाइगर का स्थान प्रमुख है तो सुंदरवन डेल्टा इसका सही उत्तर हो जो पेपर डिस्कस करेंगे वह डी एफ सी सेल में जो एक्जीक्यूटिव फाइनेंस का पेपर हुआ था चौबीस अगस्त दो को सेकेंड शिफ्ट में देखिए पहला क्वेश्चन है कि प्रेरित ई यानी कि जो इंड्यूस ई होता है उसको डायरेक्शन को डिटर्मिन किया जाता है किसके द्वारा यानी कि किस नियम के द्वारा जो है इंड्यूस ई का डायरेक्शन जो है हम ज्ञात करते हैं यानी कि निर्धारित करते हैं तो दोस्तों इसका जो है करेक्ट उत्तर होगा फ्लेमिंग का दाहिना हाथ का नियम जी हाँ फ्लेमिंग का दाहिना हाथ का नियम इसका सही उत्तर होगा यानी कि फ्लेमिंग राइट हैंड रूल इसका सही उत्तर होगा अब देखिए फ्लेमिंग जो राइट हैंड रूल है ये कहता क्या है तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है जिसमें कि इंड्यूस करेंट आपको देखने में मिलेगा फील्ड और मोशन दैट इज देखिए मूवमेंट ऑफ़ कंडक्टर आपको यहाँ पर थम्ब फर्स्ट फिंगर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को और मिडिल फिंगर यहाँ पर जो है करेंट इंड्यूस इन करेक्टर को कंडक्टर को दर्शाता है तो ध्यान रखिएगा थम्ब क्या है मूवमेंट ऑफ कंडक्टर को फर्स्ट फिंगर जो है मैग्नेटिक फील्ड को और यहाँ पर जो मिडिल फिंगर है करंट इंड्यूस इन्हें कंडक्टर को रिप्रेजेंट करता है तो इस तरह से इसको ध्यान रखिएगा कि इंड्यूस ई के डायरेक्शंस को जो है दिखाने के लिए जो है फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल जो प्रयोग में लाया जाता है अब देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गर्भ निरोधक नहीं है यानी कि गर्भ निरोधक दैट इज ए कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं है तो नॉट ए पूछा जा रहा है तो इसको ध्यान रखिएगा तो देखिए पुरुष नसबंदी है यानी कि यहाँ पर ध्यान रखना है कंडोम भी यहाँ पर है कॉपर टी भी है लेकिन सुपर टी जो है यहाँ पर गर्भ निरोधक नहीं है तो ध्यान रखिएगा नहीं पूछा जा रहा है तो सुपर टी इसका सही उत्तर होगा इट मीन्स डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाघ दिवस कब मनाया जाता है तो बाघ दिवस जो है मनाया जाता है उनतीस जुलाई को जी हाँ उनतीस जुलाई को जो है बाघ दिवस यानी कि टाइगर डे के रूप में जो है सेलिब्रेट किया जाता है उसके अलावा लायन डे भी पूछा जाता है तो लायन डे जो है कब मनाया जाता है तो 10 अगस्त को जी हाँ 10 अगस्त को और हाथी दिवस जो है कब मनाया जाता है तो 12 अगस्त को हाथी दिवस 12 अगस्त को और इंटरनेशनल यूथ डे भी 12 अगस्त को ही मनाया जाता है 10 अगस्त को लायन डे और 29 जुलाई को बाघ दिवस जो है मनाया जाता है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि पृथ्वी के हिलने डुलने को कहते हैं तो देखिए जब अर्थ जो है यहाँ पर सेकिंग एंड ट्रम्बलिंग होता है अर्थ का तो उसको बोलते हैं कि भूकंप आ चुका है जी हाँ भूकंप आ चुका है तो करेक्ट उत्तर इसका बी होगा दैट इज द अर्थ क्यूक यानी कि अर्थ क्योक जो है यहाँ पर आ चुका है सेकिंग एंड ट्रिम्बलिंग ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड जो है अर्थ क्योक यानी कि भूकंप नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि ऑक्सीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें शामिल है तो देखिए ऑक्सीकरण दैट इज ऑक्सीडेशन तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस में क्या होता है कि एडिशंस ऑफ जो है ऑक्सीजन होता है क्या होता है कि एडिशंस ऑफ ऑक्सीजन होता है और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है तो देखिए मेरे हिसाब से तो आंसर बी एंड सी दोनों होना चाहिए था लेकिन आंसर की में दिया हुआ था सी ऑक्सीजन को जोड़ना लेकिन हाइड्रोजन को हटाना भी होता है यानी कि इन ऑक्सीडेशन्स प्रोसेस बी रिमूव हाइड्रोजन एंड एड ऑक्सीजन तो यहां पर आंसर की के अनुसार सी था तो सी मान सकते हैं मेरे अनुसार बी एंड सी दोनों होगा अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि, कि किसी परमाणु की मापते है? तो है, तो हैं तो पिकोमीटर इसका सही उत्तर होगा वैसे एंगस्ट्रम में भी इसका जो है त्रिज्या को मापा जाता है तो देखिए पिकोमीटर में होता है दस पर पावर माइनस बारह मीटर अब देखिए एक एंगस्ट्रम में पूछा जाता है कि कितने मीटर होता है दस पर पावर माइनस दस मीटर तो यहाँ पर जो एटम का त्रिज्या मापने के लिए एंगस्टम का भी प्रयोग करते हैं या फिर पीकोमीटर तो पीकोमीटर यहाँ पर सही उत्तर होगा एंगस्ट्रम ऑप्शन में होता तो एंगस्ट्रम भी सही उत्तर होता तो इस तरह से ध्यान रखिएगा अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एंजाइम को सक्रिय होने के लिए अम्लीय माध्यम की आवश्यकता होती है जी हाँ कि एंजाइम ऐसा है जिसको जो है एक्टिव होने के लिए एक एसिडिक मीडियम की जरूरत होती है जी हाँ क्या होती है तो सक्रिय होने के लिए अम्लीय माध्यम की आवश्यकता होती है तो उस एंजाइम का नाम आपको बताना है तो इसका करेक्ट उत्तर होगा पेप्सिन पेप्सिन इसका सही उत्तर होगा तो जी हाँ एक कैसा है तो गैस्ट्रिक एंजाइम पेप्सिन एक्ट्स ओनली इन एन एसिडिक मीडियम में विथ इन ए लिमिटेड पी एच कंसनट्रेशन तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन की परमाणु त्रिज्या क्या होती है तो हाइड्रोजन की परमाणु त्रिज्या यहाँ पर पूछी जा रही है दैट इज़ एटॉमिक रेडियस ऑफ हाइड्रोजन पूछा जा रहा है तो देखिए सैंतीस जो है पीकोमीटर होता है पी एम मतलब पीकोमीटर एक पीकोमीटर में दस पर पावर माइनस बारह मीटर होता है तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा सैंतीस पीकोमीटर इसका सही उत्तर होगा देखिए कहीं कहीं आपको जरूर देखने को मिला तिरपन जो है पीकोमीटर भी होता है लेकिन जो है यहाँ पर आपको करेक्ट जो है सैंतीस पीकोमीटर यहाँ पर जरूर ध्यान रखिएगा अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग भंडारण के लिए किया जाता है तो देखिए अगर हम बात करते हैं गैसेस का जो कि स्टोरेज पर्पस के लिए यूज किया जाता है तो हीलियम और नाइट्रोजन इसका सही उत्तर होगा हीलियम या फिर नाइट्रोजन का उपयोग भंडारण के लिए किया जाता है यानी कि हीलियम एज वेल एज नाइट्रोजन कैन बी यूज फॉर द स्टोरेज ऑफ ए फ्रेश सैंपल ऑफ एन ऑयल फॉर अ लॉन्ग टाइम बिकॉज दे एबसटेन द ऑयल फ्रॉम द रन सिडिटी तो देखिए जो पैकेज फूड होते हैं उसमें क्या होता है नाइट्रोजन भरा होता है जैसे चिप्स कुरकुरे खाते हैं तो उसमें नाइट्रोजन ही भरा होता है यानी कि स्टोरेज के लिए हीलियम और नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं अब देखिए क्वेश्चन है कि एक चुंबक मिलखित में से किसे आकर्षित करता है तो फेरस मिटल्स को यहाँ पर जो अट्रैक्ट करता है तो चुंबक जो है यहाँ पर देखिए लोहा को अट्रैक्ट करेगा तो करेक्ट उत्तर इसका बी सही हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि सर्वाधिक बाघ किस राज्य में पाए जाते हैं तो देखिए जो बाघ का सेंसस होता है दैट इज़ ए टाइगर सेंसस होता है चार साल में होता है 2018 में हुआ फिर 2022 में हुआ 2018 में बाघों की संख्या 2967 नाइन सिक्स दैट इज़ ए थी वहीं 2022 में इकतीस हो चुकी है और बाघों की संख्या सबसे ज़्यादा जो है 2022 के अनुसार मध्य प्रदेश में हो चुका है सात पहले भी था तो सात लेटेस्ट आंकड़ा है यानी कि मध्य प्रदेश जो है बाघों का प्रदेश जो है बोला जाता है तो सात है दूसरे नंबर पर पाँच बाघ के साथ कर्नाटक है पाँच सौ साठ बाघ के साथ साथ जो है उत्तराखंड तीसरे नंबर पे है तो ध्यान रखिएगा तो सर्वाधिक बाघ जो है पाए जाते हैं वो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं तो करेक्ट उत्तर इसका सी सही होगा उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल में ओजोन परत कहाँ पाई जाती है तो वायुमंडल में जो परत है जैसा कि मंडल, जिसमें मौसमी घटनाएं घटी जाती है तो मंडल हो गया उसके बाद होते हैं समताप मंडल तो समताप मंडल में यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि वायुयान उड़ते हैं और इसी मंडल में जो है ओजोन मंडल पाए जाते हैं जो कि ओ थ्री होता है जो कि पृथ्वी को सूर्य से आने वाली पर्यावैग्निक किरणों से रक्षा करती है तो यहाँ पर समताप मंडल इसका सही उत्तर होगा यानी कि वायुमंडल में ओजोन परत कहाँ पाई जाती है तो स्टेटोस्फेयर में पाई जाती है तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि पड़ोस में विद्युत धारा प्रवाहित तार निम्नलिखित में से क्या उत्पन्न करता है यानी कि अ करेंट कैरिंग वायर इन द नेबरहुड प्रोड्यूस विच ऑफ़ द फॉलोइंग तो क्या प्रोड्यूस करती है तो ओनली मैग्नेटिक फील्ड ही प्रोड्यूस करती है तो करेक्ट उत्तर इसका डी सही होगा कि प्रोड्यूस ओनली मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड ही ओनली प्रोड्यूस करता है केवल चुंबकीय क्षेत्र को ही प्रोड्यूस करता है इसको जरूर ध्यान रखिएगा अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी गैसें ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है तो दैट इज़ अ ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कि सी ओ टू मेथेन तो इस तरह से ध्यान रखिएगा कि ये गैसेज यानी कि ग्रीन हाउस गैसेज ही ग्लोबल वार्मिंग यानी कि पृथ्वी के टेम्परेचर बढ़ाने का मुख्य कारण बनती है तो ग्रीन हाउस गैस इसका सही उत्तर होगा अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भूकंप से सबसे अधिक क्षति होगी तो देखिए भूकंप पे क्षति जो है सबसे ज्यादा होगी जिसका मान सबसे ज्यादा होगा क्योंकि रिक्टर पैमाने पे, पे एक से दस तक के जो है आपको आंकड़ा जानी जाती है तो एक जो है सबसे कम हानि होगी दस सबसे ज़्यादा होगी तो जैसे जैसे एक से दस तक जाते हैं तो छाती जो है बढ़ती जाती है यानी कि आठ देखिए इसमें जो है सबसे ज़्यादा क्षति पहुंचाएगा, तो भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पे जो है मापी जाती है इसको जरूर ध्यान रखना है तो सिस्मोग्राफ का प्रयोग करते हैं ध्यान रखिएगा जो पेपर डिस्कस करेंगे वो है डीएफसी सेल का पेपर जो कि एग्जीक्यूटिव एचआर का पेपर हुआ था 25 अगस्त 2023 को थर्ड शिफ्ट में देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था तो देखिए भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया था अब देखिए क्यों शुरू किया गया था क्योंकि 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था उसमें इंदिरा गांधी ने पार्टिसिपेट की थी तो उसके बाद भारत में दो महत्वपूर्ण फैसले लिए गए तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट यानी कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम उन्नीस में लाया गया उसके बाद उन्नीस में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया यानी कि टाइगर को कंजर्व करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया तो उन्नीस इसका सही उत्तर होगा तो इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि दो चुंबकीय क्षेत्र धारा रेखाएं कौन सी है यानी कि व्हाट आर द टू मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन तो मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन जो दो हैं तो नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर यानी कि कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगे तो करेक्ट उत्तर इसका डी होगा नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर टू मैग्नेटिक फील्ड्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में चीता को विलुप्त घोषित कर दिया गया था तो देखिए जो भारत में चीता विलुप्त हुआ था उन्नीस में आप देख पा रहे होंगे बहुत ही पहले ही भारत में चीता जो है विलुप्त हो गया था लेकिन यहाँ पर फिर से जो है चीता को री इंट्रोड्यूस किया गया है तो 2022 में 17 सितंबर के दिन आठ चीता जो है नाविविया से लाया गया नाविविया से आठ चीता लाया गया और मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में इसको रखा गया है ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में आठ जो है नाविविया से चीता कुल यहाँ पर रखा गया है इसको ध्यान रखिएगा प्रधानमंत्री मोदी ने इसको जो है इंट्रोड्यूस किया था तो ध्यान रखिएगा अब यहाँ पर उन्नीस तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उन्नीस में ही भारत में चीता विलुप्त हो गया था अब देखिए सौ चीते लाने की बात चल रही है कहाँ से तो दक्षिण अफ्रीका से इसको भी जरूर ध्यान रखिएगा अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब बिजली को पानी में प्रवाहित किया जाता है तो किस प्रकार की रासायनिक प्रतिक्रिया होती है क्या किया जाता है कि केमिकल रिएक्शंस पूछा जा रहा है कि व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ट थ्रू वाटर यानी कि पानी के थ्रू जो है बिजली पास की जाती है तो उसमें क्या होता है तो दोस्तों वहाँ पर जो है ध्यान रखिएगा कि डी होता है तो ध्यान रखिएगा करेक्ट उत्तर इसका जो है यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा डी इसका सही उत्तर हो जाएगा तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा डी इसका सही उत्तर हो जाएगा अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी प्राकृतिक घटना नहीं है इसमें से प्राकृतिक घटना जो है पूछा जा रहा है तो देखिए लाइटनिंग एक प्राकृतिक घटना है साइक्लोन भी प्राकृतिक है अर्थ क्विक भी है लेकिन वाइल्ड स्पिल एट सी यानी कि समुद्र में तेल फैल जाना ये आपको मानवीय घटना देखने को मिलता है तो करेक्ट उत्तर इसका ये होगा क्योंकि नहीं पूछा जा रहा है तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रंध्र छिद्र का खुलना और बंद होना किस पर निर्भर करता है यानी कि द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ द डिस्टोमल पोर डिपेंड्स अपॉन विच क्या होती है यानी कि रंध्र छिद्र का खोलना और बंद होना किस पर निर्भर करता है यानी कि रक्षक कोशिकाओं में पानी दैट इज अ वाटर इन द गार्ड सेल तो करेक्ट उत्तर इसका बी सही होगा रक्षक कोशिकाओं में पानी इसका सही उत्तर होगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि गर्भावस्था के दौरान प्लेसेंटा का क्या कार्य होता है तो गर्भावस्था के दौरान प्लेसेंटा का कार्य होता है कि भ्रूण को पोषक तत्वों का वितरण करना और साथ ही साथ ऑक्सीजन का भी यहाँ पर सप्लाई करना तो करेक्ट उत्तर इसका बी होगा अब देखिए प्लेसेंटा क्या होता है तो प्लेसेंटा एक टेम्प्रेरी ऑर्गन जो है माँ के पेट में जो है यहाँ पर बनती है जो कि यहाँ पर फिटस दैट इज़ अ भ्रूण को कनेक्ट करती है और भ्रूण को जो है पोषक तत्वों का वितरण करती है तो ध्यान रखिएगा अब देखिए प्लेसेंटा क्या होती है एक ऑर्गन्स होती है दैट डेवलप इन द यूटरस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी दिस स्ट्रक्चर प्रोवाइड्स ऑक्सीजन एंड द न्यूट्रीन टू द ग्रोइंग बेबी इट आल्सो रिमूव बेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बेबीज ब्लड अब देखिए इस तरह से जो है आपको प्लेसेंटा देखने को मिलता है जो कि एक टेम्प्रेरी ऑर्गन जो है डेवलप होता है तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का बायोस्फेयर रिजर्व है तो देखिए जो बायोस्फेयर रिजर्व है तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि नीलगिरी बायोस्फेयर रिजर्व इसका सही उत्तर होगा नीलगिरी बायोस्फेयर रिजर्व जबकि दुधवा टाइगर रिजर्व यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा यूपी में है कानहेरी यहाँ पर आपको देख देखने को केव है उसके बाद देखिए गिर नेशनल पार्क एक गुजरात में देखने को मिलता है गुजरात में देखने को मिलता है जो कि गिर यहाँ पर फॉरेस्ट में स्थित है जो कि यहाँ पर लाइन के लिए प्रसिद्ध है तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा तो ये आपको गुजरात में देखने को मिलता है तो नीलगिरी बायोस्फेर रिजर्व इसका सही उत्तर होगा अब देखिए क्वेश्चन है कि हाइलोजन में सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील कौन सा है तो देखिए हाइलोजन होता है हीलियम न्योन आर्गन सॉरी फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ध्यान रखिएगा फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन तो इस तरह से इसको हाइलोजन जो है एलिमेंट बोला जाता है तो इसमें फ्लोरीन जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है प्रतिक्रियाशील होता है तो यानी कि मोस्ट रिएक्टिव एमंग दाइलोजन इज फ्लोरीन तो फ्लोरीन इसका सही उत्तर होगा इसको जरूर ध्यान रखिएगा और देखिए जो नोबेल गैस होती है यानी कि हिलियम आर्गन क्रिप्टॉन जेनॉन रेडॉन जो होती है वो नोबेल गैस दैट इज उत्कृष्ट गैस उसको बोला जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी का जीवन सहायक क्षेत्र कौन सा है तो पृथ्वी का जो जीवन सहायक क्षेत्र है वो कौन सा है तो बायोस्फीयर इसको बोलते हैं दैट इज़ ए सी होगा बायोस्फीयर इसको बोलते हैं तो करेक्ट उत्तर इसका सी ज़रूर ध्यान रखिएगा अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वस्तुओं को रगड़ने से कितने प्रकार के आवेश उत्पन्न होते हैं यानी कि चार्ज गेंद वाई रविंग ऑब्जेक्ट है तो कितने तरह के चार्ज तो दो दैट इज़ कौन पॉजिटिव और निगेटिव तो ध्यान रखिएगा दो तरह के चार्ज इसका सही उत्तर होगा पॉजिटिव और नेगेटिव यानी कि वस्तुओं को रगड़ने से दो प्रकार के आवेश दैट इज ए चार्ज जो है उत्पन्न होते हैं दैट इज ए पॉजिटिव एंड नेगेटिव अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाचन तंत्र में भोजन के साथ मिश्रित होने वाला पहला एंजाइम क्या है दैट इज अ फर्स्ट एंजाइम दैट गेट मिक्सड विद अ फूड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट तो क्या है तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा तो यहाँ पर एमाइलेज यह जो है इसका सही उत्तर होगा तो एमाइलेज इसका सही उत्तर होगा करेक्ट उत्तर इसका डी सही हो जाएगा इसको जरूर ध्यान रखना है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचारित संक्रमण है दैट इज ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन्स है जो कि एक जीवाणु के कारण होता है ध्यान रखिएगा जीवाणु के कारण होता है और इसका इलाज एंटीबायोटिक दवाओं से किया जा सकता है ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जीवाणु के कारण होता है और एंटीबायोटिक दवाओं से भी किया जा सकता है तो उस बीमारी का नाम क्या है तो सिफलिस इसका सही उत्तर होगा दैट इज तो सिफिलिस ध्यान रखिएगा सिफिलिस बीमारी का नाम है तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा अब देखिए जो एच है ह्यूमन एक्वायर्ड जो इम्यूनो वायरस होता है तो इसके कारण जो है एड्स रोग होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशेंसी सिंड्रोम दैट इज एड्स रोग होता है एच वायरस से ये वायरस है उसके बाद यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना है कि एक गोनोरिया होता है जो कि बैक्टीरिया के कारण होता है और गोनोरिया भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है तो यहाँ पर तो करेक्ट उत्तर होगा सी सीफलिस इसका सही उत्तर होगा अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एम एन ओ टू ध्यान रखिएगा एम एन ओ टू है फोर एच सी एल है एम एन सी एल टू बनता है और पानी साथ में बनता है और साथ में क्लोरीन बनता है तो समीकरण में ऑक्सीकृत पदार्थ दैट इज ए ऑक्सीडाइज्ड सब्सटांसेज इसमें कौन सा है तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीडाइज जो सब्सटांसेज है वो है एच सी एल दैट इज एच एच सी एल का ऑक्सीडेशन यहाँ पर हो रहा है तो ध्यान रखिएगा ऑक्सीडाइज इज़ जो है हाइड्रोजन क्लोराइड देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक लंबी सीधी धारा प्रवाहित परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र क्या है तो यहाँ पर पूछा गया है कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड साइड ए लॉन्ग स्टेट करेंट कैरिंग सोलिनइड तो इसमें क्या होता है तो इसमें सभी बिंदुओं पर समान होता है दैट इज इज द सेम एट ऑल पॉइंट्स तो करेक्ट उत्तर इसका जो है ए सही होगा इज द सेम एट ऑल पॉइंट्स इसका सही उत्तर होगा यानी कि एक लंबी सीधी धारा प्रवाहित परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान सभी बिंदुओं पे समान होता है तो करेक्ट उत्तर इसका ए सही होगा तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही सभी को हमने डिस्कस कर लिया है और ये सीरीज भी समाप्त हो चुकी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए सो थैंक यू दोस्तों इस वीडियो में इतना ही धन्यवाद